अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान को खुश आमदेद। और बहुत ज्यादा मिस करती हूँ मैं आपको, मुझे पता आप लोग भी बहुत मिस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक देना जरूरी होता है। इसलिए ये दो दिन का ब्रेक आता ताकि मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ और आप लोग भी थोड़ा घर के काम काज जो है मुकम्मल कर लें और साथ ही जो है अपनी फैमिली वालों को भी थोड़ा सा टाइम दें। तो खैर, अब आ गया है वक्त अगेन आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात का। तो आज मंडे है और मंडे वाले दिन आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी स्टाइलिस्ट से, जो बात करेंगी जी क्रिस्टीन के हवाले से। और आज बात करने जा रहे हैं कलर प्रो के हवाले से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी खवातीन हैं। देखिए, हम हजरात को भी पीछे नहीं रखते हैं, क्योंकि जाहिर बात है उनके भी बाल हैं, उनके भी बाल, किसी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, किसी को अपने बाल कलर करने होते हैं। तो हम दोनों की ही बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा ज़रा ख़वातीन इसमें जो है इंटरेस्ट लेती हैं, तो हम ख़वातीन की बात ज़रा ज़्यादा करते हैं और शो ही ख़वातीन के लिए है। तो कलर प्रो के हवाले से आज बात करेंगे, रंग के हवाले से बात करेंगे, बालों के कलर के हवाले से बात करेंगे। तो मुलाकात करवाएंगे आपकी रिजा से, जो स्टाइलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले तो ये कि बिल्कुल ठीक हूं। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। लग रहा होता ना, अच्छा थैंक यू सो मच। जब इंसान अच्छा लगता है ना, तो वैसे उसको हर चीज अच्छी लगने लग जाती है। ये कहना चाहिए कि ये अपनी दिली कैफियत होती है बंदे की, अगर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, हर चीज से लाइवली नजर आ रही होती है। और अगर आप समझते हो कोई चीज कभी कभी हमें बहुत अच्छी लगती है तो दिल चाहता है कि उसको एडमायर करें, ताकि ये एक आपकी अपनी जो है जज्बात की तर्जमानी कर रहा होता है कि जनाब मैं खुश हूँ तो दूसरा भी खुश है और अच्छा लग रहा है। लग रहा है अच्छा, आपको हर चीज अच्छी लग रही होती है। लेकिन एक बात है कि जो इंसान अच्छा लग रहा होता है ना, तो बेइख्तियार तारीफ उसी के लिए निकलती है। और अच्छा लगने के लिए बहुत जरूरी है कि अपना ख्याल रखा जाए, अपने आप को ग्रूम किया जाए। इसीलिए तो ये सेगमेंट है कि जिसमें मेकअप के हवाले से बात हो रही है, बालों के हवाले से बात हो रही है। आप ये देखें कि कितने ऐसे जो है लोग होते हैं जो घर बैठे भी होते हैं, जो सैलून जो है जा नहीं सकते हैं, या फिर ये होता है कि बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि हर वक्त, जिसमें कई लोगों के बाल बहुत जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं, तो वो हर रोज या हर एक हफ्ते बाद थोड़ी वो सैलून जा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि चलो घर पे जो थोड़े बहुत अगर टिप्स मिल जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। नाजिया, दरअसल बात ये है कि क्रिस्टियन के तो मैं यही कहूंगी कि क्रिस्टियन वालों जितनी भी कॉस्मेटिक इनकी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब के सब इन्होंने इतना अच्छा लोगों को नॉलेज दी है, वरना तो पता है आपको पता ही नहीं होता था मेकअप में क्या क्या चीजें होती हैं, मार्केट क्या थे। अच्छा, चार चीजों का पता होता था, मेकअप, ब्लशों, जो लिपस्टिक लाइनर, बस अब ये चार, और आई शेड लगा ली। हाँ। अब किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन कौन से ब्रशेस किस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका पता होना जरूरी है। तो ये आपको हम बताते हैं क्रिस्टीन के ही जरिए। और अच्छा, आज जो है बालों की बात हो रही है ना, बालों में आप क्या करेंगे? अच्छा, मैंने नाजिया, इनको मेरी मॉडल थी, इनको मैंने एक बहुत सॉफ्ट सा कलर दिया है। बहुत सारी ख्वातीन जो होती हैं वो मतलब कलर तो ले लेती हैं, और ये आजकल फैशन में बहुत ज्यादा इन भी है, लेकिन जब आपकी रीग्रोथ होती है, यानी आपकी हाफ इंच या वन इंच बाल जब बढ़ जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती हैं। उनका ये थीम होती है कि आप हर वक्त तो सैलून नहीं जा सकते, और आजकल इतनी महंगाई में परचेजिंग करना या फिर इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल बार, हो गया बार 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 बार, बार। हाँ। तो उनके लिए ये एक आसानी है कि हम लोग उनको ये बताएंगे कि अगर इन केस आप कोई कलर ले लेते हो अपने सैलून से, जो भी आपकी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आप या स्टाइलिस्ट हैं, तो उनसे ये पूछें कि अब मैं आगे फर्दर कौन सा कलर जो है अप्लाई करूंगी। इतने तो अच्छे स्टाइलिस्ट कौन कौन होते हैं ये बताएं, हमेशा बताते हैं। नाजिया, मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मेरे पास जो भी मेरे सैलून माशाल्लाह अच्छी रनिंग में है, और बहुत सारे मेरी क्लाइंटल भी पुरानी है, तो जो भी आता है कि जब मैं उनको कोई न्यू लुक देती हूँ, हद तक कि मैं अगर कोई कट भी देती हूँ, तो मैं उनको बताती हूँ कि आपको इनवर्ट कैसे अपना ब्रश करना है या आउटवर्ड आपको कैसे ब्रश करना है, क्योंकि एक कट देने से भी आप कोई उसको मैनेज नहीं कर सकता exactly. तक पता ना हो। इसी तरह कलर का भी है, तो आज हम थोड़ा सा रीग्रोथ में कलर बताएंगे। ठीक है, ये हमारे पास शेड कार्ट है, और आज हम ये बताते चले कि हमारे पास बेसिक कलर, जो बहुत सारी हमारी खवातीन है वो बेसिक कलर्स उनको मालूम नहीं होते कि तो बेसिक कलर कौन कौन से कलर प्रो के बेसिक कलर कौन कौन से। अब बेसिक कलर जो है हमारे 1 से लेके 5 तक की सीरीज में बेसिक कलर है, जिसमें अगर आप चाहती हो कि थोड़ा सा कोई ब्लॉन्ड सा शेड आ जाए, ब्राउन बेज का शेड आ जाए, तो उसमें हम 5 समथिंग हमारे एल्स हो जाते हैं, यानी कि 5.2, 5.3, 5.4, ये हमारे ये भी बेसिक में आ जाते हैं। लेकिन 1 से लेकर 5 तक के बेसिक कलर्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आज हमने जो थोड़ी टचिंग दी है बेसिक कलर में, वो 5.3 की है ऑल ओवर। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ये कि जैसे फर्ज कीजिए ये आपका ब्लैक, यानी 1 से 3 तक की आपकी कलर बहुत डार्क है, और अब बहुत परेशान है कि हमारा कलर जो है बुरा लगता है, हमें थोड़ा सा लाइटर, थोड़ा सा लाइटर चाहिए, तो आप मैं कहती हूँ आंखें बंद कीजिए, अपने किसी भी अच्छे सैलून में जाइए और उनसे कहिए
या तो 5.1 है, ये कलर बहुत अच्छे कलर प्रो का 5.1, ये भी लाइट कलर्स में आते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने बेज का थोड़ा सा कलर दिया है कि ताकि जब लाइट्स पड़े तो वो ऐसे लगे कि जैसे शाइन लुक आ रहा है या ब्लॉन्ड का लुक आ रहा है, तो उसे मैंने 5.3 का कलर, ये 6.3 है, 5.3 है, 4.3 है, ये कलर में से मैंने 5.3 जो है सिलेक्ट किया। अगर आप समझते हैं कि आपका बहुत डार्कर शेड है और आपको लिफ्ट करना है डायरेक्ट, तो आप 6.3 जो है अपनी 1 इंच छोड़ के अप्लाई कर दें उसको 30 या 40 के साथ, 30 के साथ कर दें ज्यादा बेस्ट है क्योंकि वो कलर जो आउट नहीं होता। 30 के साथ आपने अप्लाई कर दिया और अपना जो आपकी बेस के में यानी 1 इंच जो हमने छोड़ा है उसको आप 20 वॉल्यूम से जो है वो मिक्स करके लगा सकते हैं। अच्छा, ये सिंगल कलर या इसके साथ कोई मिक्स करना है कलर? नहीं नहीं, कोई कलर मैंने मिक्स नहीं किया, नहीं मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन इसलिए बता रही हूँ कि इट्स वेरी इजी टू अप्लाई। आपने बताया कि ये 5.3। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय, सेहतमंद है ब्रुकबॉर्न सुप्रीम, तंदुरुस्त रहे मस्त रहे। फाइव तक की रेंज होती है ये, जिसमें जो है ये जरा बेसिक कलर आ जाते हैं 4.1, 4.5 ये हो गया, और ये भी बेसिक की एक रेंज है। ये भी बेसिक की एक रेंज है जिसमें हम थोड़ा सा ब्लॉन्ड कलर ऑलरेडी इनमें मिक्स है। इनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी है मेरे यहाँ ये, क्योंकि कलर बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, 5.3, 6.3, 7.3, उसमें मैंने एक चीज नोट की है कि मैंने जितना लाइटर शेड पे ले जाना चाहती हूँ लाइटर पे चला जाता है। अच्छा, ये भी हम बताते चले, अगर आप समझते हैं सैलून में जाके किसी की समझ में नहीं आता तो आप इनका जो बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहूंगी, ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर माइल्ड इनका ब्लीचिंग पाउडर है। आप इसकी क्वांटिटी 20 वॉल्यूम से या 30 वॉल्यूम से लेके इसको डबल रेशियो पे रखें। आप जैसे 1 आप स्कूप ले रहे हैं तो 2 स्कूप जो है आप इसका डेवलपर ले लीजिए। अब आप 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, लेकिन 30 ज्यादा बेस्ट होता है कि ज्यादा एकदम, क्योंकि घर में या कहीं बाहर में आप करवाने में थोड़ा रिस्क ना लें। आप इसको अप्लाई करें बिल्कुल जस्ट 15 मिनट्स के लिए। अच्छा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ब्लॉन्ड की तरफ नहीं जाना, स्ट्रीक्स निकालने इसकी या फॉल नहीं, नहीं बिल्कुल डायरेक्ट हल्का हल्का अप्लाई कर दें और उसके बाद वॉश आउट कर दें। वॉश आउट करने के बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन अपनी कलर की दे दें, लेकिन देखें रंग जो है ज्यादा ब्लॉन्ड पे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कॉपर या डार्क की तरफ हो लाइट कलर आ गया। हमारे जो चेहरे हैं वो नेचुरली थोड़े से एशियन है, और आप ये देखें कि आपका जो चेहरा बहुत ज्यादा बहुत एक्स्ट्रा फेयर नहीं, आप जो गोरी लड़कियां भी है वो मतलब वाली गोरी नहीं होती, जो मतलब एक्स्ट्रा जो आप जो कहते हैं जो वेस्ट साइड की जो गोरी लड़कियां देखते हैं वो तो एक बहुत ज्यादा, तो अल्लाह ताला ने हर एक की शक्ल जो है उसके हिसाब से बनाई हुई है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रीक्स लें, आप बालों को कलर को डाई भी कराएं, लेकिन थोड़े जरा से इसमें स्ट्रीक्स के भी मैंने, क्योंकि कलर प्रो के काफी प्रोग्राम्स भी किए उसमें भी हमने दिखाया था, तो एक इनका 6.8 नंबर बहुत अच्छा है, उसके साथ 8.8 की स्ट्रिक्स बहुत अच्छी जाती है। वो है ऐसे जैसे सेटल 1 और 2 लेवल हल्का लाइट आ जाता है। अच्छा, ये भी एक एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, खवातीन लोग कहती हैं ओहो जी स्ट्रीक रही है नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही, ये चीज ना देखा करें, नजर वो बिल्कुल आ रही होती है, वो आपके लुक को चेंज कर देती है, वो आपके लुक को खूबसूरत बना देती है, थोड़ा सा आपका जो है ना वो खूबसूरती वाला जो एक लुक है वो आ जाता है, आपके बालों में शाइन आ जाती है। अभी आपके जो मॉडल है इनके बालों में भी एक शाइन आई, शाइन आ गई। आप ये देखिए, अगर इनके काले बाल होते तो नेचुरली वो बिल्कुल अलग अलग लुक दे रहे होते, अभी आप ये देखिए कि बिल्कुल अलग लुक दे रहे हैं वो, तो आप ये देखिएगा कि ये अच्छा, नाजिया हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपनी मॉडल से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा सा सर नीचे कीजिए, जो इनका जहां से पार्टिंग है आप उधर ले जाओ, थोड़ा सा मूव ऐसे कीजिए कि इनकी पार्टिंग नजर आनी चाहिए, रीग्रोथ जरा से जो है डार्क कलर की, और हल्का सा इनका व्हाइट भी एक दो बाल है दो तीन, ताकि हम चाह रहे थे कि उसकी कवरेज हो जाए, ये देख सकें कि देखिए जो पॉइंट नजर आ रहा है 1/2 इंच का वो ब्लैक है। ठीक है, वो मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं एप्लीकेशन में यहाँ इतना टाइम नहीं होता, तो हमने एप्लीकेशन के लिए छोड़ा ताकि जब हम अप्लाई करें तो उतने में हमारा ये कलर भी हो जाए, हम साफ नजर आ जाए कि हल्की सी टचिंग जो है वो आपने किस तरह से करनी, तो आप टचअप सी करेंगे ना? मैं टचअप सिर्फ करूंगी, क्योंकि सेम रंग किया हुआ है, तो सेम रंग जो बेसिक कलर था वही किया है, तो उसी को ये हल्का सा टचअप करके आपको बताएं ताकि इनको पता चल जाए कि हमने जो कंपैरिजन कलर का जो इनका डिफरेंस है वो ब्लैक और ब्राउन की तरफ है, और ज्यादा ये ब्राउन भी नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट इसमें हल्का सा ब्लॉन्ड टच आ रहा है। तो एक मतलब बहुत ज्यादा जो लोगों को एक ख्वाहिश होती है ना कि हम जाएं शाइन करें बाल और अच्छा लगे, हमारा डिफरेंस एकदम नजर आना चाहिए। और अच्छा, मैंने देखा है जितने भी बेज कलर्स होते हैं इनमें एक आपका सॉफ्टनेस कॉर्नर जरूर होता है, यानी जब आप देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है,
इसी तरह के आप मेकअप भी कर सकते हैं, तो उसी में लाइटर की तरफ जा सकते हैं, ब्राउन की तरफ जा सकते हैं, तो आपकी एक थीम बन जाती है और हमेशा थीम से चलना चाहिए। बिल्कुल थीम से चलना चाहिए, अच्छा वही लगता है, खूबसूरत वही लगता है। तो आज का सवाल भी हम आपको बता रहे थे कि कलर प्रो के बेसिक कलर कौन से होते हैं। अभी हमने ये आपसे हमने भी जो है रिजा से पूछा भी था, तो अब आपने हमें बताना है कि कलर प्रो के बेसिक कलर्स कौन से होते हैं, ये आप बताइएगा, ताकि आपके सवाल के जवाब पर आपको मिल सके क्रिस्टीन का गिफ्ट हैम्पर। और क्रिस्टीन का गिफ्ट हैम्पर आपको बिल्कुल मिलेगा। आप जो भी हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके जो है कुरानदाजी होती है, और उसके बाद फिर कुरानदाजी के बाद आपको जो जिसका भी इनाम निकलता है, क्रिस्टीन के नंबर्स लिखे होते हैं उस पर आप वैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी को कुछ अगर लेना है, कोई प्रोडक्ट लेनी है, तो आप बिल्कुल कॉल कीजिए, और इसके अलावा आपको गाइड भी कर देंगे कहाँ से उनकी प्रोडक्ट जो है दस्तियाब है। और अभी हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल खैरियत से, पाक पतन से कॉल कर रही है ना? जी बिल्कुल नाजिया, बहुत प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोगों की निगाहें हैं जो मुझे खूबसूरत बना देती हैं, क्योंकि आप सब भी बहुत खूबसूरत हैं, दिल से खूबसूरत हैं, बल्कि खुश रहने वाले लोग हैं, जिसमें अभी रिजा ने कहा था। बिल्कुल जबरदस्त बात। ब्यूटीशियन से भी बात करनी है। हाँ जी, ब्यूटीशियन से बात। हाँ जी, बात कीजिए और सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। एक्चुअली मैंने आपसे ना पूछना था कि ये जो एश कलर होते हैं, इनको कट डाउन क्यों करना पड़ता है? मैंने अपने बालों में इतना कट डाउन करवाया कि मेरे बाल भी रफ हो गए, और अब मैं चाह रही हूँ एश में कराऊं लेकिन कट डाउन ना हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप कट डाउन नहीं करवाना चाहते, मैं खैर ऑनियर जवाब, लेकिन ऑनियर बताते और आपको ये भी बताते कट डाउन के बाद ख्याल भी किस तरह से रखना है। आपने कभी ख्याल रखा है बालों का? जी बिल्कुल, बहुत रखती हूँ। हेयर मास्क वाला लगाया आपने इसका कलर शो का? फुल लगाती रहती हूँ जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर आपको इन डिटेल जरा सा हम बता दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम इसका जवाब देंगे जरा ब्रेक के बाद, ठीक है? तो ब्रेक लेते हैं, कहीं ना जाएगा। वेलकम बैक, और आज बात हो रही है कलर प्रो की, और हमारे साथ रिजा मौजूद है। रिजा भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम साइमा की कॉल भी पहले ले लें। ठीक है ठीक है जी। साइमा हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। हेलो, सवाल का जवाब दोगी साइमा? हाँ जी, बहुत कम आवाज आ रही है लेकिन मैं आंसर दूंगी। इसके बेसिक कलर में 1 से 5 तक है। अच्छा जी सही। और रिजा भी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे रिजा से? हाँ जी बिल्कुल करूंगी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। मैंने ये पूछना है कि बालों को डाई करने का, स्ट्रिकिंग वगैरह का तो आप बता रहे हैं, लेकिन प्लीज आप ये बता दें कि कितनी टाइम लिमिट के बाद करवा लेनी चाहिए दोबारा ये स्ट्रिकिंग? जी जी, यही हम पूरी बात करने लगे थे साइमा, क्योंकि हमें भी कॉलर ने कॉल भी किया था, उन्होंने यही पूछा था, तो हमने यही डिसाइड करते कि सारी डिटेल आपको बताएंगे। हाँ बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा मैं यही कहना चाह रही थी, पहले कॉलर का जो हम पहले जवाब दे दें, उनका ये था कि वो कहते हैं बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं बाल, तो मैं आपसे कहूँ प्रोटेक्टिंग ऑयल इनका यूज करें, यानी कलर प्रो का प्रोटेक्टिंग ऑयल जो है वो आप पहले लगा लिया करें, उसके बाद कलर कीजिए। अच्छा, इसके अलावा जो मतलब हेयर कलर मास्क है, वो उसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो आप घर में भी अप्लाई कर सकते हो, अपने बालों को थोड़ा थोड़ा सी क्वांटिटी में लेके, आपने देखा भी होगा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते रहते हैं, तो आपको उसमें जो है आप अपने बालों को पूरा लगा सकते हैं। अगर आपके वो स्कैल्प में भी लग जाए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको अच्छी तरह स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, मतलब और लेकिन लेयर में जितना लगाएंगे, क्योंकि सब चीजें हमें अपने बालों की रफनेस को दूर करना। अच्छा हमारा ये जानदार बाल होता है, कलर करने से पहले बालों के नीचे भी लगा सकते हैं? नहीं, प्रोटेक्टिंग ऑयल लगा सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रोटेक्टिंग कोई भी ऑयल लगाएं तो कलर नहीं चढ़ता, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाजिया ये एक्चुअली एक तरह का पानी है, टोनर है। अच्छा। इसका ये नहीं है कि ऑयल बेस है या कुछ है, ऐसा कोई चीज नहीं है, एब्जॉर्प्शन में है चीज, यानी एब्जॉर्ब आसानी से हो जाता है। ओके। आप जब इसको लगा लोगे स्कैल्प में, बल्कि अच्छी तरह लगाओ ताकि जितना भी आपका ड्राई हो जाता है, रफ बाल हो जाता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर ले। Alright, उसकी रफनेस को अब्सॉर्ब करेगा, तो उसमें एक शाइन लुक भी देगा। हाँ। और मास्क का जो मैं बता रही थी, वो अपने बालों को लेके हल्का हल्का इस तरह अप्लाई करें,
कि ये बाल सारा का सारा आपका हल्का सा लग जाए, उसके बाद अपने उंगलियों से देखें इस तरह जो है उसको थोड़ा सा मसाज करते हुए नीचे आए, यानी कि क्योंकि बाल जानदार है। हाँ। ये इसका पूरा जो हमारा जो देखे ना जो हमारा क्यूटिकल से लेके हमारे शेफ्ट तक का एरिया जो है वो पूरा उसमें ब्लड जो वेसल्स होती हैं वो पूरा का पूरा सप्लाइंग होती है। अब हमें चाहिए कि हम सिर्फ ये नहीं कि आपने बस मसाज कर दिया, आप बालों की पूरी लेंथ तक नीचे शेफ्ट तक आइए और उसके बाद मसाज करते हुए उसको यूं दीजिए मसाज, ताकि ख्याल रखने का। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि कितनी दफा जो स्ट्रिकिंग करानी चाहिए साल में और ये है कि कितनी देर बाद करानी चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करने जब तक मैं मास्क का भी आप बात कीजिए। चलिए आप ये लगा दें तो फिर हम ये बात। ये पूरी मैंने देखे ट्यूब एक इनके बालों में इस्तेमाल की, मैं इसलिए लेके आई हूँ, मैं न्यू इसलिए नहीं लेके आई ताकि आपको लगे कि पता चले कि मैंने यही कलर यूज किया है। 5.3 का कलर है और ये जो अब एंड इसका रह गया ये मैं इनकी जो मैंने बताया था हाफ इंच का जो पोर्शन है इसमें मैं अप्लाई करूंगी। बाल बढ़ चुके हैं थोड़े से तो अब हम देखेंगे कि बाल जब बढ़ जाते हैं तो किस तरह से उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए नाजिया, ठीक है? बहुत प्यारी लगती हैं, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है। ओह रियली, थैंक यू सो मच। और फिर आप फटाफट जो हमें सवाल का जवाब भी दे दें। सवाल का जवाब तो मैं मसरूफ थी फोन करने में, मैंने ये पूछना है कि कलर कौन सा अच्छा है। मैंने क्यूने के भी कलर यूज किया है, उसके साथ जो मेरे बाल है ना वो व्हाइट हो गए। आप कोई ऐसा कलर बता दें कि जो मैं यूज करूँ बाल से। बस आपको हम बता रहे हैं ना कलर प्रो के कलर है, इससे ये गारंटीड है कि आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। और दूसरा, बाल रफ बहुत ज्यादा है, बहुत रफ है मेरे बाल। ओहो, चले उसका भी अभी इलाज आपको जो रेजा बता देती है। ठीक है, अभी बल्कि आपने हेयर मास्क के बारे में बताया ही है तो अभी आपको दोबारा से बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आप सुनिएगा। जी जी। अच्छा नाजिया देखें, मैंने तकरीबन बहुत कम क्वांटिटी में ये कलर निकाला है और इसके लिहाज से मैंने 15 ml जो है सिर्फ मैंने ये डेवलपर लिया 20 volume का। अच्छा, हमारे यहाँ ये इतनी ज्यादा जो कम्प्लेन्स आ रही हैं, बाल रफ हो जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, क्यों? सिर्फ इसकी वजह यह है हम मेजरमेंट का इस्तेमाल नहीं करते। इट्स वेरी नेसेसरी, यूज इट मेजरमेंट, ये बहुत जरूरी होता है। आपको ये तो मालूम है ना कि अगर 100 ml है या 50 ml की चीज जब यूज करते हैं तो 50 ml यानी बेसिक कलर में हमेशा सेम डेवलपर यूज किया जाता है। आधी ट्यूब इस्तेमाल कर तो आधा ही इसके लिहाज से डेवलपर, यानी कि अगर आप इसमें 20 फर्ज कीजिए, आपने यहाँ 20 या 30 लिया है ml, तो आप इतना ही डेवलपर यूज करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप स्पून होते हैं उसको घर में रख लीजिए, स्कूप को लेके उससे आराम से आप करना। दूसरी चीज ये भी कि जो डैमेज की बात आती है उसमें यही बताया जाता है कि आप 20 volume का आप डेवलपर इस्तेमाल करें, जरूरी थोड़ा कि आपने 40 volume इस्तेमाल करना है। जिनके बाल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली आपको ये बता दें कि 40 की एज के बाद बाल और ज्यादा ड्राई और सेंसिटिव, बल्कि 35 के बाद बालों के बाल जो बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने खुद ख्याल रखना है कि आप जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली आप एक तो कलर प्रो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उससे कि काफी हद तक बाल जो आपके जो आप समझ रहे होते हैं कि डैमेज हो रहे हैं वो आपके जो है बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने खुद एप्लीकेशन देखी हुई है किस तरह है और किस तरह लड़कियों के बाल जो है वो सॉफ्ट रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कलर प्रो के आप शैम्पू इस्तेमाल करें, साथ में इनका हेयर मास्क इस्तेमाल करें, शाइनर इस्तेमाल करें और साथ ही आप इनका जो प्रोटेक्टर है वो भी इस्तेमाल करें। अच्छा, अभी आपने इसको पूरा कवर कर दिया? मैंने पूरा कलर कवर कर दिया, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि दूसरे कलर को भी ये कलर मतलब लगे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है इस वक्त। और अच्छा, चलिए सही, ऐसा करते हैं, अभी अभी आप अप्लाई ना करें क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया। तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक अप में मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज रेजा दिखा रही है कलर प्रो का कि आपको जैसे ही जो थोड़े थोड़े बाल निकल आते हैं ना जो बढ़ जाते हैं उनको कैसे कलर करना है। अभी आपने इसके ऊपर लगाया फॉयल, राइट? अच्छा, अगर आपके पूरे बाल हैं नीचे से तो मैं तो क्योंकि पूरे बालों को इस वक्त हम लोगों ने नहीं कलर सब ठीक है, सिर्फ ऊपर के हम लोगों ने छोड़ दिया था दिखाने के लिए, लेकिन फिर फॉइल की जरूरत नहीं है। फिर आप पार्टिंग करें, थोड़ी थोड़ी पार्टिंग करें और उसको इसी इतनी टचिंग करते रहें।
अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मुझे पूरा कलर चाहिए। भाई पूरा कलर आप क्यों लगवाना चाहते हैं? बाल रफ हो जाते हैं, आपको चाहिए जितने बाल आपके रीग्रोथ हुए हैं उतने ही बालों में कलर लगाएं। एटलीस्ट 3 महीने के बाद आप फुल अपना कलर लें। अभी मैंने यही कहा था, स्ट्रीकिंग में आप करवाना चाहती हैं तो कम अज कम 6 महीने का वक्फा दे दें, पूरे 4 महीने का वक्फा दे दें, ना करें। बार हा अगर हम कोई चीज यूज करेंगे लाजिम आते केमिकल तो केमिकल होता है उसमें। आप ये कह दें कितना ही अच्छा क्वालिटी आप ले लें लेकिन इतनी ज्यादा अगर आपको चेंज नहीं चाहिए, आपको अपने पूरे बालों को चेंज नहीं चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि जरूरत नहीं है कि आप पूरे बालों में कलर लगाएं। हाँ ये है कि आप रूट टचिंग करें। अगर आप समझते हैं कि आपको हर 1-1.5 महीने के बाद अपना कलर चेंज करना है सो डेट्स वाई फिर आप जो है अपना पूरा वो लगाइए। ठीक है, हमारे से मेमूनन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक जी। सवाल का जवाब देंगी? बिल्कुल जी, दीजिएगा। 1 से 5 तक जो है कलर जो है मतलब कलर मौजूद है। अच्छा जी, सही है। और आप रिजा से बात करेंगे, कोई सवाल है आपका? जी बात कीजिएगा जी, बोलिए जी, जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल कर लें जी। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए। ठीक ठाक, मैमुना बोल रही हूँ। मैमुना, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आज क्या देख रही हैं आप प्रोग्राम? हाँ। और कैसा चल रहा है आपका काम? अल्लाह का शुक्र है, दुआ आपकी ठीक ठाक। चलिए अच्छी बात है जी, क्या पूछना चाह रही हैं आज? मैं यही पूछना चाह रही थी कलर के हवाले से। जी बोलिए। तो मतलब इसमें जो है 10 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम जो है मतलब बेसिक में 10 वॉल्यूम जो होता है ये एक्चुअली ऑन एयर आपको जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। ये भी ब्यूटिशियन है और अक्सर मुलाकात होती रहती है ब्यूटिशियन से और काफी मशवरे भी लेते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, पता है आप लोग इतना ख्याल रखते हैं इतनी, हालांकि लोग जो है बड़ा वही बात है कि दूसरों तक जो है जितनी ज्यादा आपने बातें पहुंचाएंगे उतना ज्यादा दूसरों को जिसको फायदा होगा ना उसी से आप देखें कि आपको भी उसी तरह ही फायदा होता रहेगा। जो जो लोग बता रहे होते हैं, जो लोग अपनी दिल की बात बता रहे होते हैं, अपने काम की बात बता रहे होते हैं। जी जी बताइए। अल्लाह का शुक्र है नाजिया के बहुत सारी ब्यूटिशियंस आती हैं, मशवरे लेती हैं, पूछती हैं, सैलून अगर उन्होंने स्टार्ट करना है तब भी पूछते हैं क्या करना चाहिए। मैमुना तो अक्सर मुझसे मशवरे लेती रहती हैं लेकिन ये कि ये एक मुझे लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ या कोई इल्म या कोई आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो ये तो सदका जारिया है कि आप उसकी इल्म में इजाफा करें, आप उसको बताएं कि हाँ वो अगर कोई काम करने जा रहा है तो वो उसकी भलाई किस में है। तो इसी नियत से मैं, मेरा ख्याल है कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं ज़रूर उनके साथ शेयर करती हूँ, वो भी मुझसे पूछते हैं और मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ। अब कलर के लिए उन्होंने पूछा 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम तो आपको मालूम है ना ज़्यादा स्टिकिंग या ज़्यादा स्टिक्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि हम ऑलरेडी जो है डेवलपर की जो क्वांटिटी या उसका वॉल्यूम हाई यूज़ कर चुके होते हैं। जब हम डाई करते हैं तो हम उसको ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं ले जा सकते, इसकी वजह से हम 10 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। बाहर के ममालिक में ज़्यादातर 15 वॉल्यूम बहुत चलता है, वहाँ पे 20 नहीं होता, 15 ज़्यादा होता है। अच्छा, मैं जब भी ट्रेनिंग पे गई हम लोगों ने जब भी वहाँ देखा तो 15 वॉल्यूम वहाँ ज़्यादा जो है अरेंज होता है, 20 वॉल्यूम ज़रा कम होता है, यानी वो लोग अपने डाई में 15 हाँ। यूज़ करते हैं। तो अगर आप डार्क, ये थोड़ा क्योंकि स्ट्रॉन्ग और डार्क कलर होता है इसलिए हाँ। जो है डेवलपर बहुत लाइट सा होता है, इसलिए अगर आप चाहते हो कि बहुत डेवलपर की मिकदार कम लेना चाहते हो या ज़्यादा कि आपको ये लगता है कि इससे बाल डैमेज हो रहे हैं तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, सही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे बात करेंगे। आपने देखा कि कलर अभी रिजा ने कितना लगाया है, अभी थोड़ा सा आप देख लीजिए कि इसी तरह आपने जो है ना स्कैल्प पे सिर्फ जो आपके बाल बढ़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं पे ही कलर लगाना है। हमारे कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, आप कैसी है? मैं बस बिल्कुल ठीक ठाक, आपको शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब देंगी? जी बिल्कुल, ये है 1 से 5 तक है। अच्छा जी, 1 से 5 तक। और आप कोई सवाल करना चाहेंगे रिजा से भी? नहीं, बस वो इतनी अच्छी तरह समझा रही है, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे देती है कि हमें कोई सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा रिजा, आप मेरे हमें वो बता दें कि स्ट्रीकिंग नाजिया, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि स्ट्रिक्स ले लेते हैं लेकिन आपको तो ये पता है जब कट डाउन किया जाता है तो बाल रफ हो जाता है। हाँ। उसमें आपको क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट ज्यादातर यूज किया जाता है तो आप उसमें हमेशा ये चीज़ का ख्याल रखें कि प्रॉपर कंडीशनर इट्स वेरी नेसेसरी, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स भी हफ्ते में 2 दफ़ा लें और जो नॉर्मली जब आप वॉश आउट करते हैं तब भी कलर सेफ से कीजिए, आप दूसरा शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे। कलर प्रो का इस वक्त मेरे पास भी शैम्पू है क्योंकि वॉश करना था इसलिए मैं लेके आई हूँ,
ये देखिए डाइड हेयर के लिए है, अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो जो भी आफ्टर कलर शैम्पू ये यूज़ करें। ये मैं स्मॉल साइज में इसलिए लेके आई हूँ कि आप घर में भी, हम लोग इसको रखते हैं, आप भी अपने घर में रखें और इसको यूज़ करें। इससे यूज़ करने से जो जितने भी आफ्टर कलर शैम्पू यूज़ करने वाले जो शैम्पूज होते हैं डाइड हेयर के लिए, उनमें फ़ायदा ये होता है कि इनका पीएच जो है वो बैलेंस रहता है, वरना आउट हो जाता है। उसके बाद इनका कंडीशनर है, आप ये कंडीशनर यूज़ कीजिए, थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए, उसको अपने हाथों में लगाने के बाद अपने जैसे मैंने पहले बताया था बालों में इस तरह लगाइए, पूरे बालों में, स्कैल्प में कंडीशनर नहीं आपको लगाना। उसके बाद आपको वॉश आउट तकरीबन एक दो मिनट के बाद वॉश आउट कर दें, आपको देखिएगा आपका एक नेचर बालों में जो है वो शाइन आएगा, आपके बालों की जो ग्रोथ है वो भी उसमें हेल्प मिलेगी आपका। और मैं ये गारंटी से ये बात कह सकती हूँ कि इससे हेयर फॉलिंग नहीं होती, क्योंकि आई यूज़ माई सेल्फ, मुझे पता है जो चीज़। अगर मैं किसी को कोई चीज़ बताती हूँ तो सबसे पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ कि मतलब आया ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर मेरे लिए फ़ायदेमंद है तो इट मे बी पॉसिबल, वैसे जबकि देखा गया है कि हर बालों का टेक्सचर डिफरेंट अलग अलग, यानी ड्राई है, ऑयली है, कुछ लोगों का सीबम बहुत ज़्यादा बनता है, स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है, वो ग्रीजी सा हो जाता है। लेकिन ये इतना अच्छा शैम्पू है कि हर तरह के क्वालिटी के बालों को जो है फ्रेश कर देता है। ठीक है, सही। हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ जी मैं नाहिद बात कर रही हूँ कराची से। नाहिद जी, नाहिद सवाल कर रहे हैं आप। हाँ जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी दीजिएगा। 1 to 5 तक। अच्छा, 1 to 5 से लेके 5 तक बेसिक नंबर। ठीक है, बेसिक कलर्स हैं। और रिजा से बात करेंगी। जी जी, रिजा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन बात कर रहे हैं? मैंने आपसे एक क्वेश्चन, मैं नाहिद बात कर रही हूँ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था जी। कि कहते हैं कि ये हेयर डाई के बाद ऑयलिंग नहीं करते, यानी कि वेरी नेक्स्ट डे नहीं करते? नहीं, वेरी नेक्स्ट डे इट, अगर आप चाहते हो कि, वैसे ये है कि थोड़ा सा हम कलर जब लगाते हैं तो उसको स्टे होता है बालों में स्टे करने के लिए, अगर आप एक आधे ना करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है ऑयलिंग करके, अगर आप, मैंने कहा ना, अगर आपने आफ्टर कलर शैम्पू यूज़ किया तो डैट मीन्स कि उसका जो क्यूटिकल है वो ऑलरेडी जो है वो लॉक हो गया, यानी बंद हो गया, क्योंकि हम ओपन करते हैं, हम कोई भी जब कलर अप्लाई करते हैं तो हमारा क्यूटिकल ओपन होता है। अब किसी चीज़ को लॉक करने के लिए कोई शैम्पू तो यूज़ किया करते हैं ना, तो वो समझें कि एक ताला जो खोला, अब इस ताले को आपने बंद किया, दैट मीन्स कि आफ्टर कलर शैम्पू इसलिए ज़रूरी होता है, फिर वो लॉक हो जाता है, फिर उसके बाद आप कोई भी चीज़ यूज़ करें। चलिए जी, सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। और अच्छा, ये बात होती है कि स्ट्रीकिंग की आप जो बात बताएं कि एक तो रफ हो गया बाल, तो आपने बताया कलर प्रूफ को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, अब तो वो आगे एक फैशन भी आ गया, बल्कि अब बालों को बचाने के लिए कि सिर्फ वो जो है कि अपना सर के ऊपर का जो हिस्सा है इसी पे ही स्ट्रीक्स होती है, नीचे अंदर वाले बालों पे जरा सा जिसने लाइट कलर था आपने ये वाला कलर किया था पूरा कलर कर देते हैं। अच्छा नाजिया, वो है हॉर्स शू की शेप में, आपने जैसे बालों को उठा लिया आपने, हाँ, और उसमें जो है आप स्ट्रीक्स दे दें, बहुत इजी वे होता है। आपने ये पोर्शन उठाया, उसके बाद आपने पूरा का पूरा एक साइड 1 inch का, 1/2 inch का, जैसे अगर चंक्स बनाने तो मोटा ले लें, अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल रख लें। रखने के बाद आपने उसको जो है कट डाउन किया, या डायरेक्ट एप्लीकेशन है आजकल तो बहुत ज्यादा, अगर लोग घबराते ये कट डाउन से हमारे बाल खराब होते हैं, तो लिफ्टिंग कलर्स आ गए, आप 40-30 वॉल्यूम से डायरेक्ट लिफ्ट कर सकते हैं कलर, अगर आपको ज्यादा, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लॉन्ड की तरफ तो फैशन भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर्स लीजिए। और बल्कि कलर प्रो में मैं बता दूं, 000 बहुत एक्सलेंट कलर है इनका, 000 को अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन करें 40 के साथ आप ले लें, और आप फॉइल में उसको रैप करते जाएं, आपने थोड़े से बालों में किया, फिर थोड़े से बाल छोड़ दिए, फिर थोड़े से बालों में किया, जब आप अपनी सेंटर पार्टिंग करें, लेकिन पार्टिंग ये होती है मखसूस हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी आपका, आप ये कि थोड़ा कभी इधर से सकते हैं कभी इधर से ले सकते हैं, बहुत डीपली नहीं जा सकते, तो आपका बड़ा अच्छा स्ट्रिक्स आपको प्रॉपर नजर आता है, नजर तो ये है। थोड़ा सा एक तरह का टेक्निकल वर्क है, अगर आप उसको देखते रहे तो वो भी आराम से, इंशाल्लाह हमने पहले भी बताया, आपको दोबारा से ये वाला तरीका जरूर बताएंगे जो अभी आपको रिजा बता रही है, जिससे बाल बहुत ज्यादा सेफ हो जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ सोबिया फारूकगंज से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िया, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं, आप बताइएगा कैसा रहा पूरा वीक आपका, और स्पेशली वीकेंड कैसा गुजारा?
नहीं माशाल्लाह वीकेंड तो खैर बिजी बिजी गुजरता है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं घर पे, वाकई इसीलिए दो दिन की छुट्टी हो जाती है ना मेरी, दो दिन की भाई मदर्स की, मैं कहती हूँ औरत की कभी छुट्टी नहीं होती। नहीं सही बात है, नहीं हम उस लिहाज से हमारे शो के हिसाब से, हाँ शो के हिसाब से ही होता है, लेकिन फिर भी वो रिपीट से होते हैं ना, मैं वो लगा के बैठी हुई होती हूँ। बस चलिए ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप बताइएगा सवाल का जवाब। 1 से 5 तक की रेंज है, और नाजिया मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि ये जो इनका प्रोटेक्टिव ऑयल है, तो बेसिकली ये मुझे बताइए क्या ये डैंड्रफ को खत्म करता है? अच्छा जी सही है, चलें बात करते हैं और बताते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके सोबिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इनका प्रोटेक्टिव ऑयल, अच्छा प्रोटेक्टिंग ऑयल मैंने आपको बताया ना कि ये एक आपकी ड्राइनेस को जो है वो खत्म करता है। अगर आप इसका मुस्तकिल करते रहेंगे, मतलब मुस्तकिल इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी डैंड्रफ भी नहीं होगी। और मास एप्लीकेशन है ही इसी पर्पस के लिए कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बालों के वो सॉल्व हो जाए। और मेन अगर आपके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हैं तो हम तो यही कहेंगे कि इसके लिए ये कि आप थोड़ा सा कोई टोटका शोटका इस्तेमाल कर लीजिए, और बहुत अच्छा है सरसों का तेल और दही में मिला के लगाएं, हाँ, तो वो भी सही हो जाता है। लेकिन ये कि ये प्रोटेक्टिंग ऑयल है, प्रोटेक्टिंग ऑयल का ये क्वालिटी है कि अगर आप इसको स्कैल्प पे लगाते हैं तो आपकी ड्राइनेस नहीं आएगी, ड्राइनेस नहीं आएगी, और आपके जो बाल जो डेड होने लगते हैं ना, जो रूखे बाल जैसे रूखे होते हैं, तो रूखे, और इसकी अच्छा ये इतनी पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है नाजिया, ब्लीच में यूज किया जाता है आपके बालों में, जैसे हमने फर्ज कीजिए वॉश कर लिया पहले, मतलब बिफोर आप कलरिंग यूज करें और आफ्टर कलरिंग के बाद, मतलब ये आप तब भी आप प्रोटेक्टिंग ऑयल को अपने बालों में लगाएं, आप ब्लो ड्राइंग करवा रहे हैं तब भी इसको यूज कर सकते हैं, गीले बालों में यूज कर सकते हैं, मतलब इतनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल जब देखेंगे आपके बाल, अच्छा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लचक बहुत ज्यादा आ जाती है। अच्छा। बालों में अगर आप लगा के ब्लो ड्राइंग करते हैं तो बाल बकायदा हिलते हैं, अच्छा, आपको महसूस होगा फ्लोइंग आ जाता है, वेव जो ऐसे आने लग जाता है बालों में। और हमेशा बालों को चेक इस तरह करना चाहिए कि बालों को ना लहरा अगर वो ऐसे लहर तो उसका मतलब बहुत अच्छे बाल है, अगर नहीं लहरे वो झाड़ बने हुए तो फिर आप जो है ना समझ लेके झाड़ बन चुके, तो फिर प्रोटेक्टिव ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा। मुबीना हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मुबीना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। तो सवाल का जवाब देंगी आप? जी बिल्कुल दूंगी। जी जी दीजिएगा। 1 से 5 तक। ऑलराइट ठीक है, और कोई आप रिजा से सवाल करेंगी? नहीं आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं शुरू से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त, बस इसी तरह हमारे साथ शामिल रहेगा और सवालों के जवाब भी देते रहे। अच्छा लगता है कि आप लोग जो है सवाल के जवाब दे रहे होते हैं, अब इसीलिए हम कहते हैं कि आप बिल्कुल शुरू से हमारा ये सेगमेंट देखा करें ताकि आपको पता चले कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं। और वैसे भी जो शुरू का जो शो होता है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग का, वो पूरे जो है ना पूरे शो का जूज होता है, जो हम पूरा दिन आपके साथ जो हम स्पेंड करते हैं। तो खैर अभी जो है ये आपने कलर तो लगा दिया, इसको कितनी देर तक रखेंगे? अब इसको वॉश करेंगे। चलें ठीक है, वॉश का टाइम भी आ गया, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप भी मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक, और आज बात हो रही है क्रिस्टीन के कलर शो की। और कलर शो में अभी देखें आपको बताया, बहुत से आपको टेक्निक्स बताई हैं अभी तक कि कलर किस तरह किया जाता है, बालों को प्रोटेक्ट करने की तो खैर बेइंतहा टेक्निक्स बता चुके हैं। कलर प्रो का हेयर मास्क है, ऑयल भी इनका प्रोटेक्टिव ऑयल भी है, और साथ ही आप ये देखिएगा कि इनका जो शाइनर भी है, तो और साथ में शैम्पू, तो प्रोटेक्शन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ शाहीन भी हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब हैं, मिसेस शाहिद हैं। अच्छा जी सॉरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पर भी ब्लो ड्राई भी चल चुका है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी नाजिया? कैसी आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं अल्लाह का शुक्र। जी मिसेस शाहिद सवाल का जवाब देंगी? जी ये 1 से 5 तक है इनका। ठीक है जी। और कुछ सवाल करना चाहेंगी? जी जी मैंने सवाल तो जरूर करना है इनसे। जी जी अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात करना चाह रही हूँ रेजा, तो मेरे हाथ 2 मिनट के लिए बंद करना होगा। अच्छा जी कौन बात कर रहे हैं? मिसेस शाहिद। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। मैं कहना चाह रही थी कि मैं जो कलर ना 2 कलर मिला के डार्क ब्राउन जो है ना वो और मतलब और एक वो नंबर कलर का नाम तो बता ही नहीं सकती, मैं 2 कलर बाहर मिला के लगाती हूँ। अब कोई ऐसा कलर बताएं जो मैं ना डार्क ब्राउन लगाती हूँ, मैं कि एक ही कलर हो मेरे सही आए, मुझे 2 का खर्चा ना करना पड़े। अच्छा आपके अपने बालों का रंग कैसा है? मेरा तो जेट ब्लैक था, मगर अब मैं ना वो कलर वैसा करूँ तो आर्टिफिशियल से लगता है।
अच्छा चलिए फिर अब आपको रेजा जरा तो सा इसके बारे में बताएंगी कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलरेडी आप बालों में जो है वो दो कलर इस्तेमाल करती रही हैं, कलर प्रो के इस्तेमाल करती रही हैं, तो रिजा से पूछते कौन सा एक कलर ऐसा इस्तेमाल करें। जी अभी हम लोग जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि ब्लैक बालों को हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं लाइटर। इस बार आप हम पूछना भूल गए, आपने हमारे मॉडल के बाल देखे तो ये हमने वन शेड बताया 5.3 से, और मैंने ये सारा बताया था कि आप अगर इसको यूज करते हैं कि आपका डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर है तो आप 30 से इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं तो आपका ये शेड आ जाएगा, लेकिन 6.3 की रेंज पे आना है तो 6.3। अच्छा जी सही है, ठीक है, तो इनको 6.3 इस्तेमाल करना, 6.3 30 में डाल के आप लगा लें तो इंशाल्लाह आपका कलर जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन ऐसा ही आ जाएगा, आ जाएगा जो चाह रही है वो लाइट हो जाएगा। ठीक है सही है, अच्छा जी हमारे। और ये देखिए इनका ये प्रोटेक्टिंग ऑयल से इनके बालों में लचक, नाजिया आप नोट कर रही हैं? जी जी बिल्कुल, ये देखें आहा क्या ये जो है ना लुक आ रहा है। यही बात होती है कि देखें आप ये जो कह रहे हैं ना कि बालों में फ्लो आना चाहिए, बालों को अच्छा लगना चाहिए, इसी से आएगा प्रोटेक्टिव ऑयल से जो कलर प्रो का है। हमारे साथ एक और कॉलर इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, साजिद बात कर रही हूँ। जी मिसेस साजिद कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। जी मिसेस मिसेस साजिद, ठीक है, मिसेस शाहिद का भी कॉल था, वो मिसेस साजिद का भी कॉल आ गया। जी सवाल का जवाब देंगी आप? जी आपने आज बेसिस कलर के बारे में मालूम किया तो ये 1 से लेके 5 तक है। ऑलराइट ठीक है, तो आप और भी सवाल करेंगे? कब से ट्राई कर रही हूँ कॉल का, तो अब जाकर मिलिए लास्ट टाइम में। नहीं नहीं अभी तक हमारे पास कुरानदाजी के लिए पर्चियाँ नहीं आई, तो आपका नाम आ सकता है इसका मतलब उसमें। अच्छा, और ये मेरा बेटा है वसी अली, तो कहते हैं मम्मा आप क्या कहती हैं, आप इतना सारा मेकअप सीख गई हूँ इनसे, तो आंटी हमेशा ये कहती हैं कि क्या कहते हैं जी आप सवाल भी गलत नहीं देती हो, आप सही देती हो, फिर भी आपका इनाम नहीं लगता। मैं कह नहीं बेटा गुरंदाजी होती है, जैसी लगेगा फिर मिल जाएगा। बिल्कुल इंसान ट्राई करता रहता है, किसी का भी नाम निकल सकता है, हमें तो नहीं मालूम कि किसका नाम आएगा, लेकिन ये कि एटलीस्ट जितनी भी खवातीन हमें कॉल करें कोई ना कोई तो बाकी विनर होता ही है ना, बस बच्चे हैं ना। हाँ सही बात है, चलिए इंशाल्लाह ताला हम दुआ करेंगे कि आपका इनाम जरूर निकले, और वसी बच्चे से भी कहिएगा छोटे क्यूट से बच्चे से कि वो भी कहें कि हाँ जी इनाम जो है अल्लाह करे आपका निकल आए तो ये निकलेगा इनाम। और हमने तो आप लोग के लिए फैसिलिटी ये भी रखी हुई कि जो एक दफा जीत जाता है तो हम उसको एक महीने तक जो कुरानदाजी में शामिल नहीं करते, अभी आप लोगों के लिए देखें सहूलत रखी हुई है ना ताकि आप लोग जीत सकें। और आप ये देखिएगा कि बहुत ही खूबसूरत फ्लोई बाल रिजा लग रहे हैं, ऐसा अच्छे लग रहे हैं, फ्लो आ रहा है इसमें। हाँ। अब कलर में ये देखें कि इसका नेचुरल शाइन कितना है। हाँ मतलब आप इसकी जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे इसमें ये नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा मैंने कोई ब्लॉन्ड कलर डाला हो या कुछ हो, मैंने बिल्कुल बहुत सिंपल सा एक कलर लिया और उसको मैंने हाँ, बालों ऐसे भी जरा उठाकर दिखा दे। हाँ, ये देखिए ना ये इस देखिए बालों की इसकी शाइन, इसकी टेक्सचर को देखिए कि ये किस कदर खूबसूरत आ रहा है, मतलब हमारी मॉडल का भी दिल चाहे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। बिल्कुल सही बात है वाकई, और यही चीज आपको बताई जा रही है कि आप जब भी कलर प्रो के कलर्स इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल डैमेज की तरफ नहीं जाएंगे, आप इनको जरूर इस्तेमाल करें। और जो ख्वातीन चाहती हैं कि डायरेक्ट उनके जो हैं कलर्स वो अप्लाई करें तो बिल्कुल अप्लाई करें, जैसे आज आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये किस तरह से ये जो है आपने ये नोट किया है कि किस तरह से ये सिर्फ स्कैल्प के ऊपर जो हल्का सा 1 इंच का जो आ जाता है वो हमने जो है आपको बताया ना कि किस तरह से आ जाता है स्पेशली बालों को, आपने ये नोट डाउन किया होगा जरूर कि 1-1 इंच के बाल जो है वो किस तरह से कलर किए जाते हैं। अच्छा मैं कुरानदाजी भी कर लेती हूँ, कुरानदाजी में नाम देखते हैं किसका आया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओ जी मुबीना कराची से, तो मुबीना आप जो हैं विन कर गई हैं और आपको जो है नाम बिल्कुल मिलेगा। आप क्रिस्टीन के आप कॉल कर सकती हैं जो नंबर्स ऊपर स्क्रीन पर आ रहे हैं, और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जी जी ये आज जो है काका भवानी इंस्टीट्यूट में फ्री वर्कशॉप है ब्यूटिशियंस के लिए, और ये जो है हुसैनाबाद में है, ये क्रिस्टीन की तरफ से वर्कशॉप दी जा रही है, तो आप लोग जरूर जाएं, स्पेशली जहां पर करीबी खवातीन वहां पर रहती है इस एरिया में वो भी जरूर जाएं। हम ये कहते हैं कि सब जाकर देखें, एक तो आप वहां जाएंगे आप सीखेंगी भी,
प्रिस्टीन आपके लिए कितनी सहूलत लेकर आता है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपके लिए जा रहा है। काका बावानी इंस्टीट्यूट है ये, और यहाँ पे ये हुसैनाबाद में है। फ्री वर्कशॉप, और बिल्कुल ये जो ब्यूटिशियंस के लिए फ्री वर्कशॉप है, तो ब्यूटिशियंस जितनी भी उस एरिया में रहती हैं या आसपास या दूसरे एरियाज में भी, वो जाएं और जाकर वर्कशॉप वहां पर लें और देखें। सबसे बड़ी सहूलत क्रिस्टीन ने दी है कि फ्री वर्कशॉप आपके लिए, आप फ्री जाकर वहां पर जो है नई नई टेक्निक्स, नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो ये जो है कोई आपके लिए कोई एंट्री फीस वहां पर नहीं, आराम से जाएं। सो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में और भी ब्यूटिशियंस होंगी, तो वो जो है हुसैनाबाद की तरफ जा सकती हैं और वहां पर जाकर जो है ये आप क्रिस्टीन की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बेहतर यही होगा कि जरूर अपडेट लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने का मरहला कभी भी खत्म नहीं होता। इतनी नई टेक्निक्स आ जाती हैं, वैसे कितने सारे नई नई चीजें आती हैं, नई नई टेक्निक्स आती हैं, तो मेरे ख्याल में जो पीछे रह जाते हैं ना जरा से, उनको चाहिए कि वो नई टेक्निक्स को, नई चीजों के बारे में जरूर जाने। अब देखें ना, जिस तरह अब एक जमाने में कलर, ये जो है कलर प्रो का मास्क जो था वो नहीं था, लेकिन जब ये आया तो अब ये देखें कितना ज्यादा इसमें जो है डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होता है, बालों को डैमेज होने से बचा लेता है। तो ये टेक्निक्स नई आ जाती हैं, फिर आप ये देखें इस्तेमाल करते रहे। बहुत सी नई नई चीजें आई हैं। मास्क का हम लोग यही बता रहे थे कि जब मास्क अप्लाई करें ना, तो आप क्योंकि स्टीमर्स तो घर में नहीं होते, तो आप पानी को बॉयल करें, उसमें टॉवल को थोड़ा सा डिप करें, उसको निचोड़ें और अपने बालों पे लगा लें, तो वो एक तरह का स्टीम भी मिल जाती है। तो मास्क जो है उसका जो है वो एब्जॉर्ब जल्दी होता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, आ जाता है। चले सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग कहीं ना जाएं, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। खुश आमदेद एक बार फिर नाज़रीन सलाम पाकिस्तान में, और जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये सेगमेंट जो है, इस सेगमेंट में आपको दीन की बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जो आपके दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएंगी। और हमारे साथ मौजूद हैं रूबी बाजी, रिलीजियस स्कॉलर, जो आपको बताएंगे आज के एक और अहम सब्जेक्ट जो आपके लेकर आए हैं उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम रूबी बाजी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए, और आज फिर हम एक अहम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, और सब्जेक्ट है सदका। सदका बहुत ज्यादा जरूरी है, अहम है, किस हवाले से है, क्यों है, थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल भी जानेंगे ताकि हमारे नाज़रीन जो है वो समझ सकें बेसिकली सदके के बारे में। तो सदके पहले तो किसको कहते हैं और सदका करने का फायदा क्या होता है? जी जी, इसमें अब देखें कि नाज़िया, जो सदका का लफ्ज जो है वो अरबी जबान में स्वाद दाल काफ से निकला है, इसका मतलब होता है सच। और जब इंसान ईमान लाता है अल्लाह के ऊपर, तो अल्लाह ताला उस ईमान का तकाजा है कि हम कोई चीज ऐसी दें अल्लाह के राह में जो प्रूफ करे कि हम वाकई ईमान, सच्चे ईमान वाले। तो इंसान को अपना माल सबसे ज्यादा प्यारा होता है, और उस माल में से जब इंसान निकाल कर अल्लाह को देता है तो उसके ईमान की तस्दीक हो जाती है कि वाकई उसने सच कहा। फिर आप देखिए कि सदके का जो फायदा है वो बहुत सारे फायदे हैं इसमें, जैसे सूरह अल बकरा में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा तुनफिकू मिन खैरिन, कि जो कुछ भी तुम माल में से खर्च करोगे युवफ्फा इलैकुम, तुम्हें पूरा का पूरा लौटा दिया जाएगा, वह अंतुम ला तुज़लमून, और तुम जुल्म नहीं किए जाओगे। तो इससे ये पता चलता है कि सदका इंसान जब करता है तो बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि चीज चली गई, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, वो जाती नहीं है, वो पूरा का पूरा तुम्हें वापस लौटा दिया जाता है। अच्छा, और ये समझा जाता है कि हमने दे दिया और हमारा बिल्कुल और कम हो गया। और आपने भी हदीस में भी आता है कि आपने कसम खाकर कहा था कि सदका करने से माल कम नहीं होता। ये बिल्कुल आप देखें ना कि जैसे एक गाड़ियों की एक टनल होती है ना, तो गाड़ियां एक तरफ से जाती हैं उस टनल में और दूसरी तरफ से निकल आती हैं, तो बिल्कुल इसी तरह इंसान जब अल्लाह के लिए निकालता है तो पीछे से अल्लाह ताला और दे देते हैं, वो निकाल रहा होता है अल्लाह ताला देते चले जाते हैं। तो इसका ये होता है कि इससे कम नहीं होता माल ना। और कई लोग ऐसे जो सदका नहीं देते हैं तो उनका कहीं और से पैसा जो है वो निकल आता है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम नादिया जी। समीना जी, कैसी है? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल खैरियत से। तो आप, मैं बिल्कुल बात करूंगी इनसे, लेकिन मैं सबसे पहले आपके लिए कुछ कहूंगी, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो और बिल्कुल ब्लू लेडी लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, सवाल कीजिएगा। हाँ, मैं इनसे ये सवाल करना चाह रही थी नाजिया कि ना, अक्सर हमारे अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं
یا کوئی بزرگ تو لوگ کہتے ہیں صدقہ دو, لیکن ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی, تو کیا وہ کم وسائل میں صدقہ دینا ضروری ہو جاتا ہے, تو وہ کیا چیز ہے جو وہ دے سکتے ہیں صدقے میں؟ ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے, اس کے بہت اچھا سوال آپ کا, تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت بہت شکریہ. کہ اگر کم وسائل ہوں تو پھر وہ کیا کرے, کیسے صدقہ دے؟ کوئی اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی بیمار ہیں, گھر میں بیماری, صدقہ دیں, تو پھر کیا صدقہ دینا چاہیے, کیسے صدقہ دینا چاہیے؟ اچھا ان کا سوال ہے. آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, اس کو اس وہ بھی صدقے میں دیا جا سکتا ہے. اچھا, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے کہ اسپیسیفک اماؤنٹ ہو کہ اتنا اتنا دینا ہے, نہیں. اگر آپ کے پاس گھر میں ایک روٹی بھی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کسی سائل کو دے دیتے ہیں, وہ آپ کے حق میں صدقہ ہو جاتا ہے. صدقے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا بار کر دیں یا اوپر سے؟ نہیں, بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل انسان بس وہ نیت کر لے کہ اس چیز کے لیے انسان صدقہ نکال رہا ہے. اور ویسے بھی انسان صرف یہ بھی نیت کر سکتا ہے کہ ہر قسم کی, کہتے ہیں نا کہ صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے, مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے, تو اس نیت سے انسان نکال دے کہ ہر قسم کی کوئی بھی ایسے بلا ہے یا کوئی ہے وہ سب دور ہو جائے. اور ویسے اگر نیت نہ بھی کریں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹال دے. نیت بس کرنے, جی نیت کرنا, نیت کرنا ضروری ہے. اور بے شک چاہے 10 روپے ہیں, 15 روپے ہیں, 100 روپے ہیں, لیکن بس خلوص سے, دل سے صرف اللہ کے لیے انسان نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. اور ایک اتنی خوبصورت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک لقمہ کتنا ہوتا ہے, اگر اللہ کی رضا کے لیے انسان نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں. ایک پیار کا انداز ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں, ہوتے ہوتے بالکل ایسی کہ جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کو بڑا کرتا ہے, اور پھر حتیٰ کہ وہ احد کے پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اتنا اس کو قبول کرتے ہیں, اور اتنی محبت سے اس کو لیتے ہیں. اچھا, یہاں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کسی کی جاب میں ٹینشن آ رہی ہوتی ہے, کوئی جو. دس ٹائم چیک از براٹ یو بائی سپریم چائے, صحت مند ہے روپون سپریم, تندرست رہے مت رہے. آئی ہے تو ہم صدقہ نکالیں, تو اس میں بھی بہت اچھی بات ہے, وہ بھی obviously اس کو دور بھی کرے گا اور اس میں ہیلپ کرے گا. لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ انسان مصیبت آنے سے پہلے خرچ کرے, اور تھوڑا تھوڑا سا بھی ہو. ایک خاتون جو تھی انہوں نے بڑا اچھا اپنا بتایا کہ وہ کہتی تھی کہ میں گھر کے خرچ میں سے ایک میں نے ایک ڈبہ باکس بنایا تھا, اور اس میں جو چینج ہوتا تھا میں ڈالتی جاتی تھی, اور جو بھی کوئی آتا تھا میں اس میں سے بغیر گنے ہوئے نکال کے دے دیتی تھی. کہتی جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیا میرے مال میں اتنی میری برکت ہو گئی کہ میں اس میں سے سہولت کے ساتھ جو چیز چاہتی تھی میں لے لیتی تھی اور نکال لیتی. تو اس صدقے کی برکت سے بہت زیادہ اس میں جو ہے واقعی یہ اتنی امپورٹنس رکھتا ہے. اچھا, صدقے کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ صدقے آپ دیکھیں کہ صدقے ایک بہت واسٹ ٹرم ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مثلا ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص اگر اپنا باغ لگاتا ہے یا کھیت لگاتا ہے, اس میں سے جو انسان جانور چرند پرند کھاتے ہیں وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. مثلا کسی کی لینڈز ہیں اپنی, یا باغ ہیں, یا آپ نے کوئی درخت لگا لیا, یا گھر میں کوئی چھوٹا سا پودا لگا لیا, اب اس میں سے کوئی چرند پرند جو کھا رہا ہے یا اس سے کسی انسان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, تو وہ سارا کا سارا اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پانی پلانا بہترین صدقہ ہے. آپ دوسرے کو پانی دے دیتے ہیں یا اس کا انتظام کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح صدقے کی سفارش کرنا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا, تو اب وہ شخص کیا ثواب سے محروم رہ جائے گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی انتظام کیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک کوئی مانگنے کے لیے کوئی شخص آیا, تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے, اور اللہ اپنے رسول سے جو چاہے گا دلوا دے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سفارش کرتا ہے کسی بھی اچھے نیک کام کی دینے کی, تو اس سفارش کرنے والے کو بھی اتر ثواب ملتا ہے کہ جتنا دینے والے کو ملتا ہے. اچھا, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح جو ہے کسی کی مدد کے لیے جو ہے انسان کوئی راہ سے کوئی رکاوٹ ہٹا دے, جی, یا پھر یہ کہ درخت اگا دیں, پودے اگائیں, بالکل, اور جس طرح چھوٹی چھوٹی نیکی مدد کرنے کسی کی, تو یہ بھی کیسی چیز؟ بالکل بالکل. آپ دیکھیں راستے سے ہٹا دینا چیز, یہ بھی صدقہ ہے. آپ کوئی درخت لگا لیتے ہیں, کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں, ایون آپ کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں, جب آپ اسمائل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. کسی کو اچھا مشورہ دے دیا, اچھا مشورہ دے دیتے ہیں. اسی طرح اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے اور آپ اس کے بیچ میں صلح کرا دیتے ہیں, تو یہ صلح کرانا جو ہے یہ بھی آپ کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے سفارش کی بات تھی,
तो अगर कोई मतलब किसी जगह पे कोई एक इंसान बड़ा डिजर्विंग इंसान है, किसी अपॉइंटमेंट पे वो डिजर्व करता है और उसको कोई सिफारिश कर देता है कि इसको यहाँ लगा दे, अब उसका भी सवाब जो है इतना ज्यादा है कि वो शख्स जो है वो जिस तरह भी बेनिफिट देगा उस जगह को, वो सारा का सारा सवाब जो है वो उसको भी मिलेगा जिसने सिफारिश की थी। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट आ जाती है। तो ये जो है ये देखिए छोटी छोटी चीजों का जो हम नोट डाउन नहीं कर रहे होते और कितना इम्पोर्टेंट है। और कुछ मतलब सबके जी, अब इसमें एक और जैसे खवातीन के हवाले से है, जैसे अभी सवाल भी आया था तो उसमें भी अगर खवातीन जो है, हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि अगर एक खातून अपने घर के खर्च में से निकाल के देती है और यानी किसी को भी सदका करती है तो उस सदके का सवाब हस्बैंड को भी मिलेगा, शौहर को भी मिलेगा क्योंकि वो कमा रहा है, और उस औरत को भी, खातून को भी मिलेगा क्योंकि वो सदका कर रही है। और अगर किसी मुलाजिम के थ्रू किसी सर्वेंट को दे देते हैं कि अच्छा बाहर फलां शख्स आया उसको दे दे, तो वो उस मुलाजिम को भी मिलता है और किसी के अजर में कमी नहीं होती, हर एक को अपना अपना हिस्सा जो है वो पूरा पूरा मिल जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर यह है कि खवातीन के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि उनको जो पैसे मिल रहे हैं घर के खर्च के उसमें से भी सदका निकालें जरूर। अच्छा, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अगेन वही चीज जो खुद कमा रहे हैं उनके लिए तो जरूरी है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहीं पर ये बात आती है कि अमूमन जो देखा ये जाता है कि लोग यही कहते हैं ना कि सदका से मुसीबतें जो है वो टल जाती हैं, तो ऐसा करने से वाकई ये चीज होती है? जी अच्छा, ये जरूरी सवाल है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का टाइम आ गया, तो ब्रेक के बाद ये इस सवाल का जवाब रूबी बाजी देंगी। आप हमारे साथ ही रहे, सलाम पाकिस्तान। खुश आमदेद, सलाम पाकिस्तान में आज बात हो रही है सदके के हवाले से। हमारे साथ रूबी बाजी मौजूद है, रिलीजियस स्कॉलर, जो आपको सदके के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें बता रही हैं जिससे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। तो ये सदके से मुसीबतें किस तरह से दूर होती है ये भी जरा बताएं। देखिये, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब कोई भी तकलीफ आती है, बाज़ दफ़ा इंसान की अपनी कोताहियों की वजह से आती है, अपने गुनाहों की वजह से या किसी भी तरह से आती है, तो जब इंसान सदका देता है तो सदका जो है वो अल्लाह के गज़ब को और गुस्से को दूर कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब अल्लाह का गुस्सा दूर होता है तो ऑटोमेटिकली वो तकलीफ जो है वो भी दूर होने लगती है। और इसी तरह जैसे कि मैंने कहा कि रोज़ का रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़रूर निकालना चाहिए। और फिर एक दफ़ा बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई ख्वाब देख लिया किसी ने, अब वो परेशान होते हैं कि बुरा ख्वाब था, अच्छा नहीं था, अब क्या किया जाए। तो ऐसी सूरत में भी इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि अगर कोई इस किस्म का परेशान कुन ख्वाब आए तो एक तो यह कि पहलू इंसान बदल ले, दूसरा यह है कि लेफ्ट साइड पे 3 दफा थुत्कार दे और आउद बिल्लाहि मिने शैतानी व शर रहा पढ़ ले कि मैं इस शैतान और इस शर, इस ख्वाब के शर से अल्लाह की पनाह में आती हूँ। उर्दू में पढ़ ले बेशक, तो ये पढ़ लिया जाए, फिर उसके साथ साथ सदका भी दे दिया जाए, तो इंशाल्लाह वो जो ख्वाब का जो असर है वो उस तरह से नहीं होगा, वो ज़ायल हो जाता है। और ये इसीलिए जो है पहले से जो हिंट्स आ रही होती है उसको इंसान जो है सत्कार से जो है वो दूर कर सकता है ऐसी परेशानियों को। ठीक है, अच्छा, और किस किस तरह से जो है मुसीबतें जो है दूर हो सकती है? मुसीबतों का बस यही है कि इंसान सत्कार के हवाले से तो यही बात है कि इंसान कि बुरी मौत को भी सदका जो है वो दूर कर देता है। अच्छा, यानी अगर बुरी मौत कोई ऐसे लिखी हुई है तो इंसान जब सदका देता है, क्योंकि तकदीर तो अल्लाह के हाथ में ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंसान जब सदका देता है तो अल्लाह ताला उस चीज को भी जो है वो दूर कर देते हैं। और अब देखें कि जैसे वो पहले बात हो रही थी कि जो लोग नहीं देते तो सदका जो नहीं निकालते, तो इसमें एक हदीस है बहुत ही अच्छी कि सुबह के वक्त हर रोज सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं आसमान से और एक कहता है कि अल्लाह ताला देने वाले को और ज्यादा दे, उसके माल में बरकत डाल दे, और जो नहीं दे रहा उसके माल को तू तबाह कर दे। अब देखें कि एक फरिश्ते की दुआ कैसे कबूल होती होगी, फरिश्ता मांग रहा है और बरकत की दुआ जो है, तो आप देखें कि बाज़ दफा जब लोग देते हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसी जगह से इंसान के पास उससे दुगना तिगना आ जाता है, इंसान एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, पता ही नहीं चलता। बाकी ये बात है, और अभी हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाज़िया कैसे हो? बिल्कुल जी, खैरियत से। रुखसाना जी, आप लाहौर से कॉल कर रही हैं, सवाल आपका। जी 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 जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नाज़िया, पूछना था कि अक्सर है ना जैसे लोग ये करते हैं कि बोलते हैं हम ये सदका देंगे, ये काम हो जाए वो हो जाए, और फिर भूल जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरी छोटी बहन ने भी ऐसा ही किया था, तो क्या उसके साथ फिर कुछ और भी जो वो सदका पूरा करना है
उसके अलावा भी कुछ देना पड़ेगा उसको। अच्छा जी, मतलब पूरा करने के लिए वो क्या करें। ठीक है, सही है, चले ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अक्सर लोग भूल जाते हैं, बेहतर ये होता है कि कोई भी नियत करें या कोई भी आप जो ना मन्नत मांगें लिख लिया करें। बिल्कुल, लिख लेना जरूरी होता है। इसी को आपकी बात बहुत अच्छी, मैं यही कहने जा रही थी कि इंसान की ये नजर हो जाती है और इसका पूरा करना जो है ये बहुत मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसी चीज हो तो उसको लिख लें ताकि इंसान उसको भूले ना, और अगर भूल गया है और फिर याद आ जाए तो फिर जितना जो कुछ भी मांगा था वो उसको दे दें। कोई एडिशनल चीज देने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही है कि जो जितना भी आपने मांगा हुआ था तो उतना ही अदा कर दें, तो वो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अदायगी में तो जो उन्होंने कहा है उसी को पूरा कर दें तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है। एटलीस्ट याद आ गया उनको, ये नहीं कि बिल्कुल भूल गए, अक्सर लोग तो बिल्कुल भूल जाते हैं। चलें, जब भी याद आ जाए, ये कि आज के इस शो से एक चीज है कि कई रिकॉलिंग्स हो जाएंगी लोगों जी, को बिल्कुल। कि हमने ये मन्नत मानी थी, हमने कहा था, तो ये कि जब इंसान जबान से कुछ कहता है तो वो बात पक्की हो जाती है। इंसान की जिंदगी के बाद भी क्या ये काम आता है? जी बिल्कुल, इंसान के मरने के बाद भी सदका जो है वो उसको बहुत फायदा देता है। और खुसूसन आप देखिए कि एक हदीस में हमें बहुत क्लियर हदीस मिलती है कि तीन चीजें इंसान को मरने के बाद भी फायदा देती रहती हैं। एक तो ये है कि जो भी नेक औलाद जो उसने छोड़ी, जिसकी अच्छी तरबियत की, वो अब जितना भी नेक काम करेंगे वो औलाद वालिदैन को सवाब मिलेगा। फिर कोई अच्छा इल्म जो इंसान ने जिंदगी में सिखा दिया। और तीसरी बात यह है कि सदका जारिया, यानी इंसान अपना माल किसी ऐसे काम में लगा दे कि जो बहुत अरसे तक जो फलाह का इंसानियत की काम हो रहा है, तो वो जब तक काम होता रहेगा इंसान को उसका सवाब मिलता रहेगा, काम आता रहेगा बिल्कुल। और इसके साथ एक चीज और भी है कि जो पीछे यानी किसी की डेथ हो गई या पीछे बच्चे हैं या कोई भी हैं, अजीज व अकारिब हैं, तो उनको भी चाहिए कि जो हमारे अजीज व अकारिब इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए सदका खैरात करें। क्योंकि एक शख्स आया था और उसने कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद फौत हो गए और उन्होंने माल छोड़ा है, और वो माल जो है उन्होंने कोई वसीयत नहीं की, तो अगर मैं उसमें से सदका करूं तो क्या उनके गुनाहों का कफारा हो जाएगा? तो आपने फरमाया हाँ जरूर करो। तो इससे पता चलता है कि उनका जो छोड़ा हुआ माल है उसमें से भी अगर इंसान सदका करता है तो मरने वाले को सवाब मिलता है, और खुद भी औलाद को भी चाहिए कि वो जरूर कुछ ना कुछ दें। बिल्कुल जी। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर है सिद्रा, लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक है, वालेकुम सलाम जी। अच्छा, टॉपिक बहुत जबरदस्त लगा आज का, माशाल्लाह सदका। मैं तो कहती हूँ कि हर मुसलमान मर्द औरत में ख्याल से कोई भी परेशानी टेंशन, मैं तो इवन की यहाँ तक कोई ख्वाब भी बुरा देखूँ तो बिलीव मी सदके से मैं कहती हूँ कोई भी टेंशन, कैसी किसी भी तरह की टेंशन होता है ऐसे टलती है। तो मैं ये मेरे हस्बैंड भी आलिम फाजिल हैं और जो सलीम भाई मेरे जेठ हैं वो फौज में इमाम मस्जिद होते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि भाई कोई भी किसी भी तरह की टेंशन हो तो सदका बेटर। हर मुसलमान मर्द हो तो किसी भी तरह का, ये नहीं कि आप गोश्त दें, जैसे अब बाबे वगैरह बता देते हैं कि 400 का फलां इतना इतना गोश्त दें, तो कहते जितनी आपको तौफीक हो उस हिसाब से आप अदा करें तो वो सबसे बेहतर है। अब जैसे हर गरीब बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना ये जैसे गोश्त वगैरह, तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेटर, यानी कि वो बताते होते हैं कि लाल मसूर और चीनी का सदका ना, तो वो यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने आधा किलो चीनी लिया तो आधा किलो ही लाल मसूर हो। अच्छा जी सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने इनपुट दिया। एक और सवाल ये कि किन लोगों को देना चाहिए, आपने बताया, तो क्या ऐसे भी लोग जिस तरह हमारे घर पे कई ऐसी खवातीन है जो काम भी कर रही होती हैं, या फिर ये कि आपको नजर आता है कि ये मेहनत से तो काम कर रहा है लेकिन कभी किसी से मांगते नहीं और जरूरत उनके घर पर होती ही होती है, तो ये बताएगा कि ऐसे लोगों को भी क्या सदका दे सकते हैं, तो उनको बता कर देना चाहिए या वैसे ही दे दें? वैसे ही दे दें, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि बताएं, बिल्कुल वैसे ही दे दें। और उसमें देखें कि सदका करने में ना आप देखें कि इस्लाम बड़ा एक लॉजिकली ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जो बात करता है उसमें सबसे पहला हक जो है हमारे वालिदैन का। अगर किसी के वालिदैन डिजर्विंग है, नीडी है, और वो उनको छोड़ के बाकी सारी दुनिया में चैरिटी कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सबसे पहला हक वालिदैन का, फिर उसके बाद अपनी औलाद का, कि औलाद अगर डिजर्विंग वो है उसको दिया जाए, फिर बहन भाई आ जाते हैं, फिर बाकी फैमिली के होते होते और फिर माशरे के दूसरे तबकात,
करते रहते हैं, पहले अपने फैमिली वाले, इमीडिएट फैमिली वाले, इमीडिएट लोग जिनको आप देख रहे हैं कि बस जरूरत उनको है, तो सबसे पहले आपने उनको देना। थैंक यू सो मच रूबी बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इसके साथ ही चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग भी कहीं ना जाएं। वेलकम बैक, और अब मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगी, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त यहाँ पर है, बहुत ही जबरदस्त, अब उनके रोल्स जो है टीवी ड्रामास में देखने वाले ऐसे जबरदस्त है कि मैं तो बड़ा इनका थॉरो जो है ना वो देखती हूँ ड्रामा रोक रोक कर, क्योंकि इनके ड्रामास एक तो आजकल जबरदस्त आ रहे हैं, पर्सन की एक्टिंग वाह बहुत एक्सीलेंट। तो आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगी सुम्बुल से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम, बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल खैरियत से। अब लोग ये ना समझे कि मैं अपना अक्स देख रही हूँ असल में है ना, या तो अब यही मसला आ जाता है अक्सर औकात कि सुम्बुल को जो है समझते हैं कि वो यहाँ बैठी हुई है, या मुझे ये समझते हैं कि सुम्बुल जहाँ ड्रामे कर रही हूँ मैं कर रही हूँ। मुझे अक्सर लोग पता है बोलते हैं, कहते हैं कि वो आपका ड्रामा देखा था बड़ा अच्छा था। मैंने कहा अच्छा, मेरी दोस्त ने ड्रामा किया सुम्बुल ने। बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही थी, वो कहते अच्छा 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 आप सुम्बुल नहीं है? मैंने कहा नहीं, मैं सुम्बुल नहीं, मैं नाजिया हूँ। अक्सर होता है मेरे साथ ही होता है कि आप वो नाजिया है आप? मैंने कहा नहीं नहीं आप नाजिया है। अरे भाई नहीं हूँ मैं। अब वो लोगों को यकीन नहीं आता, कुछ समझते हैं कि छुपा रही है या वैसे बताना नहीं चाह रही। हाँ एग्जैक्टली, हाँ ये काफी होता है। अभी थोड़ी देर देख देख कर अपना महसूस हो रहा है कि शायद मैं ही बैठी हूँ वहाँ पर। भाई कौर वैसे कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं कुछ नहीं, पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इतनी शक्लें मिलती हैं, इस बात का मुझे पता नहीं क्यों, कैसे कैसे इंसान के लिए दो दो शक्लें। और अगर अगर तो मेरी कजन को देख लो, माय फर्स्ट कजन, वो उसकी एज तुम्हारे जैसी हो गया था, वो बिल्कुल डिक्टो कॉपी है। रियली? भाई उसको बुलाओ किस दिन, उसको आएगी ऑन एयर, आएगी कभी? लेट मी चेक, लेकिन वो तुम्हारी कॉपी है लिटरली। अच्छा, पक्की वाली, पक्की वाली, तो हमारे तो फिर फर्क आ गया ना, मिलते जुलते वो बहुत रिजेंबल करती है। अच्छा ये है कि बाकी कहीं कहीं ऐसा हो ही जाता है कि इंसान की शक्लें मिलने लग जाती है। अच्छा, और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग गिफ्ट भी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास इस वक्त है सादिया डिजाइनर लॉन का। जी सादिया डिजाइनर लॉन ये भी लॉन्च हुई है, आपने जो है जरूर डिफरेंट डिफरेंट आपने जो है देखा होगा इस वक्त बहादराबाद क्लिफ्टन हैदरी पोशिया में, और पोशिया सलीम फैब्रिक में सब मौजूद है। अच्छा यहाँ पे आप लोगों के लिए ये लॉन मौजूद है, आप लोगों ने कॉल करना है, कॉल करके कोई इंटरेस्टिंग सी आपने बात हमसे करनी है, कोई भी अच्छी सी बात हमसे करनी है, और सब लोग इस कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं सादिया डिजाइनर लॉन के लिए कि ये आसिफ याहिया हु इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, इन्होंने डिजाइन की है। अली जीशान बड़ा बहुत बड़ा नाम है डिजाइनर्स में, क्योंकि इनके रैंप पे जब भी कपड़े जाते हैं ना सब स्टन हो जाते हैं और हमेशा ही बाजी ले जाते हैं। अली जीशान है जिन्होंने स्टाइलिंग की है, और एग्जीबिशन 5 मार्च आज आखिरी दिन है कराची पोशिया सलीम फैब्रिक में, जहां पर बहादराबाद में भी है, क्लिफ्टन में भी है, हैदरी में भी है, ठीक है। और इसके अलावा लाहौर वालों के लिए बड़ी जबरदस्त खबर है कि 6 मार्च को ये पीडीएफसी में ये जो है गुलबर्ग में इसका एग्जीबिशन होगा, और 7 and 8 मार्च एट सलीम फैब्रिक लिबर्टी लाहौर में 10 सुबह 10 से और जो है रात 10 बजे तक। एक और चीज मैं बताऊं कि जो है पिंडी वाले रावलपिंडी में और पिशावर में ये लॉन की एग्जीबिशन भी होगी, तो एक्सीलेंट ना, सबके लिए लॉन ही लॉन है, लॉन ही लॉन है। तो खैर सुम्बुल अब आप ये बताओ मुझे कि अभी जो कैरेक्टर्स आप कर रहे हो वेरी इंटरेस्टिंग, इतने चैलेंजिंग रोल लेके कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, और कोशिश होती है कि रोल ऐसा हो जो पहले ना किया हुआ हो, इसीलिए। अच्छा लोगों को बड़ा खौफ आता है कि एक एज में यंग दिखाया फिर आपको एज का दिखाया, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, मैं क्यों एज का बनूं इतनी सी एज में, मैं तो खुद इतनी छोटी सी एज क्यों। देखिए आप, हम खुद तो कुछ नहीं है ना, हम खुद वो हैं जो हैं, हमें तो प्रेजेंट करना होता है किसी ऐसे कैरेक्टर को जो उसकी जिंदगी है। एग्जैक्टली तो वो मुझसे काफी लोगों ने, आप ठीक कह रही है, मुझसे काफी लोगों ने पूछा कि आपने यंग टू ओल्ड किया और उसमें इस तरीके से किया, आप क्या करती? तो वो मैंने कहा यार देखिए वो एक ड्रामा था और वो लोगों ने पसंद किया, लोगों ने मेरे हर शेड को पसंद किया। एग्जैक्टली और यंग टू ओल्ड में तो आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, बिकॉज मेरी एज बहुत कम है। नहीं बाकी और बड़ा बखूबी निभाया, मतलब जब मैंने उसको, क्योंकि मैंने बड़ा थॉरली फॉलो किया था उसको ना, तो वही मैंने देखा कि शुरू में जब यंग दिखाया तो अपनी एक प्रेजेंस थी, जैसी ओल्ड की तरफ आए तो बिल्कुल अपनी एक प्रेजेंस हो गई थी, है ना।
तो खैर ये एक चीज है जो आप जरा सा नोट डाउन जरूर करें। तो हमारे कॉलर्स कॉल करें, आपकी कॉल जो है वो शुरू हो सकती है और आप जो है जीते फिर आप सादिया डिजाइनर लॉन। हमारे साथ अनीला है। अनीला कहाँ से? कराची से। कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अनीला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माशाल्लाह इतनी प्यारी बातें हो रही हैं कि मैं आपका शो देख रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आपको कॉल करूँ। बिल्कुल, अल्लाह के लिए कि मेरी कॉल मिल गई। अच्छा भी किया, कॉल भी किया, और मैं तो चाह रही थी कि आप जो है हमसे कोई अच्छी सी ऐसी बात करें जिससे हम आपको कुरानदाजी में शामिल कर सकें। अगर कोई बात थी कि तो हम शामिल नहीं करेंगे। हाँ अच्छा, अच्छी सी बात तो जो हम बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ के हम कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हमें नमाजी होना चाहिए 5 वक्त का, जैसा भी है जो भी है। क्योंकि नमाज बेसिकली ना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब हम लोग नमाज की तरफ आ जाते हैं ना, तो हमारे अंदर से खुद से बुराइयां खत्म होना शुरू हो जाती हैं। हम खुद रियलाइज करते हैं कि यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, और इससे नमाज से ये होता है कि हमें गाइडनेस अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिकली हमें हर कदम पे गाइडनेस मिलती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ी ही अच्छी आपने बात कही है। हमारे साथ सुम्बुल भी मौजूद है, इनसे कुछ कहना चाहेंगी। हेलो जी सुम्बुल, आप कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप एज यूजुअल। थैंक यू, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक हूँ। क्या चल रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप लोगों के? अभी न्यूली सब्स कदम स्टार्ट हुआ है। चलिए अभी उसके बारे में बात करते हैं फिर, ठीक है? थैंक यू सो मच अनीला, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच। अच्छा नया प्रोजेक्ट जो है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच। नए प्रोजेक्ट के हवाले से, ये नया ड्रामा, इसमें भी चैलेंजिंग है कुछ? इसमें हाँ, इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हमारे माशरे में आजकल बहुत कॉमन है कि अगर कुछ बुरा हो तो हम ब्लेम औरत को देते हैं, कि अगर नई शादी होकर एक लड़की आई है और उनके घर में कुछ बुरा हो गया तो ये लड़की आई है, इसके कदम अच्छे नहीं थे और इस वजह से ये हो गया। मनुष्यत थी इसमें, तो लाइक ये इसके साथ ऐसे इत्तफाकात होते हैं कि जिसके साथ ये जुड़ती है या जिसके साथ इसका इंटरेक्शन होता है, उस इंसान के साथ या इसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे लोग कहते हैं कि इसके आने से ये चीज हो गई। अच्छा, ये इसकी गलत प्रॉब्लम। इसमें एक सब्जेक्ट और भी दिखाया है कि जो हमारे यहाँ अक्सर शादियों में हवाई फायरिंग का जो सीन होता है, तो इसमें जो इसकी स्टार्ट जो इसकी दिखाई है वो ये है कि इसकी शादी है और शादी के दिन एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है और बहुत शौक है जी कि वो धूमधाम से शादी हो और हमारा बच्चा जो है वो पटाखे बजे, मतलब फुल शोर शराबा। तो उसमें जो है शादी में लड़का आ रहा होता है घोड़े पे बैठ के और उसी का दोस्त जो है फायरिंग करते हुए वो फायर उस दूल्हे को लग जाता है। डेथ मतलब हो जाती शुरू है, से ही खतरनाक। वहां से वो उसकी माँ और वो और सारे के जी ये इसकी वजह से हुआ है, इसके साथ रिश्ता जुड़ने वाला था और इसके कदम अच्छे नहीं थे, तो इसलिए इट्स कॉल्ड सब्स कदम। अच्छा सब्स कदम, और राइट। लेकिन बहुत पॉजिटिव मैसेज है इसमें कि ऐसा नहीं होता, होता वही है जो लॉजिकली होता है या होना होता है जिंदगी में, सही है। लेकिन आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये तुम्हारी वजह से हुआ या ये मेरी वजह से हुआ। बिल्कुल। अच्छा यही बात आती है, ये जो सब्जेक्ट्स आते हैं ना, तो ऐसी सब्जेक्ट लेकर आना कि जो माशरे से रिलेटेड हो, तो लोग अच्छे तरीके से फॉलो भी करते हैं, जहां पर जो गलत सोच रहा होता है ना उसकी सोच को भी तब्दील किया जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें आती है, अब बहुत से ऐसे ड्रामास हैं जहां पर जो है बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती है, कुछ ड्रामास भी जैसे आप बताते हैं जहां पर अच्छी चीज होती है वहां कुछ ना कुछ बुराई भी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं भी होते हैं जहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें नहीं रखी जाती हैं। अच्छा वैसे क्या स्केड्यूल क्या होता है ड्रामा आर्टिस्ट के लिए? बड़ा मुश्किल नहीं होता सुबह से लेकर रात तक काम करना, कहते हैं कोई अपनी लाइफ नहीं होती है, तो ये क्या लड़कियां जो है स्पेशली लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए भी क्या फोकस हो जाते हैं कि बस हमने अभी सिर्फ ड्रामा करना है, हमने इसके अलावा अभी जो हमें अपने कोई और जिंदगी नहीं देखनी? नहीं, जब तुम्हें पता है जब शूट चल रही होती है तो यू नो वो 10 to 10 का हमारा पूरा दिन और शाम वही सही बात स्केड्यूल चल रहा होता। हाँ, तो ये करते हैं कि लाइक अगर हमने एक प्रोजेक्ट कर लिया तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके और फैमिली को टाइम दिया। हाँ, ज्यादा कोशिश यही होती है कि कहीं बंदा बाहर चला जाए आउटिंग के लिए, तो मेरा यही है कि मैं एक प्रोजेक्ट के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। अच्छा, लेती फॉर माय फैमिली फ्रेंड्स। तो अच्छा फिर ये कि अपना एक, हाँ, एक थोड़ी सी अपनी शूटिंग के दौरान आप नहीं कर सकते कि आप कब फ्री हैं और आपके पास क्या टाइम है और क्या नहीं है, तो कोई कमिटमेंट घर वालों से नहीं हो सकती। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हमारे साथ सना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सना, कैसी हैं आप? अच्छा जी सना जी, कोई बात करेंगी आप हमसे अच्छी सी प्यारी सी, ताकि आप सादिया डिजाइनर लॉन जो है वो उसका गिफ्ट हैंपर जीत सकें? जी मुझे यही कहना था कि इस टॉपिक के हवाले से
कि हमें पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए और उनके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। सही, पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। किस तरह से वैसे ख्याल रखना चाहिए तो बताएं। मतलब उनके एहसास, उनके जज्बात, उनके सब कुछ देखा जाए कि वो किस चीज से हमसे खुश हो सकते हैं। सो ट्रू, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि हर तरह से ख्याल रखना चाहिए। सुम्बुल हमारे साथ है, इनसे कोई बात करेंगी आप? जी, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है और इनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा मुझे करती है। थैंक यू सना। चले जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, लोगों का बड़ा अच्छा एक वो होता है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते हैं, और कभी होता तो होगा ऐसे आप बाहर जाते होंगे, लोग अपने भी बात करते होंगे, जी आपके इस करेक्टर में ये है, जी आप उन्हें यूं क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और मुझे ज्यादा तब करते हैं, मुझे जब किया था, जब मेरे ख्वाब रिजा रिजा में मेरा एक पोर्शन आया था छोटा सा, जिसमें थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर मैंने प्ले किया। हाँ, 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 हाँ। कि उसमें काफी सारे शेड्स थे। exactly. तो उसमें बीच में एक कैरेक्टर था जिसमें मुझे थोड़ा सा नेगेटिव अपना पॉजिटिव शो करना था। हाँ। उस पे काफी लोगों ने कहा कि नहीं आपने क्यों किया और नेगेटिव नहीं रोल करना चाहिए। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा मैंने नहीं किया, वो एक्चुअली कैरेक्टर की डिमांड थी और मैंने किया, नहीं आप नहीं अच्छी लग रही थी, आपको जो है वो ये नहीं करना चाहिए। तो खैर वो इस तरह के रोल्स पे मुझे थोड़ा सा लोग करते हैं कि नहीं आपने इस तरह नहीं करना। अच्छा, लोगों की ये तो मोहब्बत और प्यार होता है, पता है इसको आप जो है ना वो इसे पॉजिटिव भी लेते हैं, ऐसे लोग जो है वो ये कि आपके लिए तो पॉजिटिव। जहाँ लोग तारीफ करते हैं वहाँ लोग कहते भी हैं कि आप ये करें या ये नहीं, हम आपको इस तरह देखना चाहते हैं। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, लोग ओन करने लग जाते हैं, ये बात होती है कि जो ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं या टीवी पर जो लोग आते हैं, लोग उन्हें ओन करते हैं और अपने तरीके से देखना चाहते हैं, और वो उन्हीं कैरेक्टर्स को जानते हैं ना, वो हमें आपको नहीं जानते ना। हाँ। वो उस कैरेक्टर को देख रहे होते हैं जो वो कर रहा होता है। सही है, और उसके जहन में वही कहानी चल रही होती है कि अब ये करेगा, ये अच्छा है ये बुरा है, वो सुम्बुल को नहीं जानता या वो किसी और को नहीं जानता, वो उसको जानता है जो कैरेक्टर है। सो ट्रू, सो ट्रू। हमारे साथ दीना भी है, दीना से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप बीना? मैं ठीक ठाक, आप बताइए नाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से बीना। आप हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं या अभी आपने कॉल किया? मैंने अभी आपको कॉल किया। अभी कॉल किया, अच्छा जी बीना जी, चलें आप जो हैं हमें कोई अच्छी सी बात करें। यार देखो नाजिया, आजकल हर कोई अपनी मसरूफियात में बिल्कुल बिजी है, हम लोग सोचते नहीं है कि हमारे घर वाले हमारी फैमिली क्या चाह रही है, हमें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने घर में सबका ख्याल रखना चाहिए, और इवन कि हमारे घर में जो काम करने वाली आती है हम उसका तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते, ऐसा लगता है कि हमने उसको खरीद लिया हो पैसे, चंद पैसों के खातिर। सही है, बिल्कुल सही है, उनका ख्याल रखना हमें बहुत बहुत अच्छी अच्छी आप लोग बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा बीना आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इसी तरह ही भी आप कॉल करते रहिएगा, अगर आपको जीतना है सादिया डिजाइनर लॉन, आपको ये बता दें कि ये कल जो है इनकी लाहौर में भी एग्जीबिशन है 6 तारीख को, मैं एक बार फिर बताऊंगी आपको। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। Alright, welcome back। और हम आपसे जानना चाह रहे हैं आज बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी बात, हमें अभी तक जिन्होंने भी कॉल किया हमारे कॉलर्स ने बहुत अच्छी बात की है, और हम ही चाहते हैं अभी और भी हमारे कॉलर्स कॉल करें और अच्छी अच्छी बात हमारे साथ करें ताकि आप जीत सके सादिया डिजाइनर लॉन, जिसे आतिफ याह्या ने डिजाइन किया है, अली जीशान जिन्होंने इसको स्टाइलिंग की है पूरे लॉन की, और साथ ही एग्जीबिशन आज आखिरी दिन है कराची में आज आखिरी दिन है, पोशिया सलीम फैब्रिक कराची, बहादराबाद, क्लिफ्टनिया हैदी, किसी भी आप जगह पर चले जाएं, लाहौर में 6 मार्च को मतलब कल स्पेशली होगा PDFC में गुलबर्ग लाहौर, और 7 और 8 को लाहौर में ही सलीम फैब्रिक लिबर्टी लाहौर में एग्जीबिशन होगा, 10 से रात 10 बजे तक, और साथ ही पिंडी भी आएंगे और पेशावर भी आएंगे, तो सबके लिए बड़ी जबरदस्त चीज कि सब जो है इस लॉन को जो है वो जाकर खरीदे, और इसको नेचुरल बात है कि जब स्टाइलिंग अच्छी हो, खूबसूरत लगे लॉन, और लॉन बड़ा कंफर्टेबल, लोग कंफर्ट लेवल उनका हाई होता है कि वो कंफर्टेबल फील करती हैं खवातीन, स्पेशली लॉन पहनना बड़ा फेवरेट है लॉन वैसे सबका। बिल्कुल, लॉन पहनती मैं बहुत कम, और स्पेशली ड्रामों में तो तुम लोग के बहुत चलती है वैसे लॉन, है ना, क्योंकि वो जिस गर्मी में हम लोग शूट करते हैं तो उसमें लॉन के अलावा कुछ चल नहीं सकता। अच्छा, वैसे एक चीज है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा हो रही होती है तो आप लोग कैसे फिर इसको जो है ख्याल रखते हो कि इतनी गर्मी में जो है
स्पेशली फिर आप लोग जो है गर्मियों में एसी भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बहुत टफ टाइम होता है क्योंकि एसी और फैंस वगैरह सब कुछ ऑफ हो जाते हैं तो वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, तो काफी ज्यादा टफ फील हो जाता है। अच्छा जी, सही। हमारे साथ एक और जो है कॉलर है शाजिया हरिपुर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं इस कलर में। थैंक यू सो मच। ये बस आप लोग की नजर होती है जो खूबसूरत बना देती है, तो आप अच्छी सी बात हमसे करें फिर हम सुन बात करें। अच्छी सी बात ये करनी थी कि आजकल लोग बहुत परेशान रहते हैं तो परेशानी तस्करा करने से बढ़ जाती है, खामोश होने से कम हो जाती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। क्या बात है आपकी, क्या बात है, आपने छोटे से थोड़े से लफ्जों में बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। और मुझे ये इनसे भी बात करनी है। बिल्कुल, जबरदस्त एक्टिंग की तहजीब आपने तो छा गई। वाकई, अब तो लोग तहजीब से जानने लग गए हैं। जी जी बिल्कुल। मैं लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो मैं भी रोई बकायदा। ओए, क्यों, मतलब हीरोइन को मार दिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बहुत जबरदस्त एक्टर है। चलिए, थोड़े एज में जाकर ही डेथ होती है ना, जिंदगी तो गुजार ली ना। जी जी, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं और इंशाल्लाह करती रहें आगे भी और हम आपके प्रोग्राम देखते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अपनी जो लाइफ है उससे क्या इंसान रिलेट करने लगता है? अपने जो करेक्टर्स होते हैं, इंसान जैसे कुछ सैड मूड में होता है तो क्या आपकी अपनी लाइफ भी क्या सैड होने लग जाती है, आप उदास हो जाते हैं? बिल्कुल, बहुत इफेक्ट पड़ता है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं अंदर और उसमें से आप नहीं निकल पा रहे होते। कैसे उसको, मतलब बाकी, मतलब एक बड़ा अजीब सी बात होती है। आप ज्यादातर आप जब प्योर आर्टिस्ट से बात करेंगे ना तो वो कहता है कि मेरे अंदर ये चीज रह गई है। बिल्कुल, उसको ओवरकम करना। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं हर जगह यही मुझसे पूछा जाता है तो मैं रोक की मिसाल देती हूँ, ड्रामा सीरियल रोक की, क्योंकि उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो एक ऐसी लड़की का था जो चाइल्ड अब्यूज है। अच्छा, हाँ, तो हाँ, हाँ। वो कैरेक्टर जो था वो नहीं निकलता था मुझसे, मेरी शक्ल पे आ गया था कि कुछ हुआ है मेरे साथ या कोई मसला है, तो वो सब ये कहते थे क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर इतना हावी था मुझ पे कि वो शूटिंग खत्म होने के बाद कुछ अरसे बाद वो मैं नॉर्मल हुई हूँ। अच्छा, उसके बाद, उसके बाद। ऑलराइट, हमारे साथ बतूल है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाजिया, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन बतूल, आप कैसी? नाजिया, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, कितने दिनों के बाद आज जाके आपसे फाइनली बात हो रही है। फाइनली बात हो रही है। बतूल, एक बात बताऊँ, मेरी बचपन की दोस्त है बतूल, जो मेरी हाँ मेरी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट फ्रेंड है, जिनसे बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है अभी भी, और आपका नाम भी बतूल। आपके और हमारी भी ऐसी ही दोस्ती रही, इंशाल्लाह हमारी दोस्ती बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। बतूल एक बड़ा स्पेशल नाम है और स्पेशली आप देखिए कि बड़े कम लोगों का होता है। हाँ, ये तो है, काफी कम लोगों का होता है। जी जी, अच्छा नाजिया, आई मस्ट से ये कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है, कॉम्बिनेशन बहुत एक्सीलेंट। आई फील, अब मुझे लग रहा है जैसे ये मेरा फेवरेट कलर हो, एंड स्पेशली यू नो आप दोनों का काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन काफी मिलता जुलता, दोनों बहुत दोनों एक तो बहने लगती भी हैं, ऊपर से कलर भी सेम हो गए हमारे, और अब सच्ची मुच्ची लोग समझेंगे कि हम लोग सच्ची मुच्ची वाली बहन हैं। अच्छा, अच्छा नाजिया, जो अच्छी बात आप पूछ रही है, मैं एक नहीं मैं दो बातें कहूंगी। बिल्कुल, एक तो कहा ये जाता है कि दो लोगों से थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए। किनसे किनसे? एक वो जो मसरूफ रहते हैं और एक वो जो मकरूर हैं। मसरूफ लोग अपनी मर्जी से और मकरूर लोग अपने मतलब से याद किया करते हैं। ओए होए होए, क्या बात की आपने वैसे, है ना, मसरूफ लोग अपनी मर्जी से और मगरूर लोग अपने मतलब पे मतलब से याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुम्बुल हमारे साथ हैं, बात करेंगी। जी हाँ सुम्बुल, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, मतलब मुझे ये लग रहा है कि सीरियसली एक एक्टर की पहचान यही होती है कि वो अपना जो यू नो उसकी अपनी पर्सनैलिटी वहाँ नजर ही ना आए और वो जो कैरेक्टर पूरी तरह से हावी हो। जैसे अभी आपको आपके कैरेक्टर्स के नामों से जो लोग पहचानते हैं तो वो आपके लिए बड़े फखर की बात है। बिल्कुल माशाल्लाह से, और सीरियसली बहुत नेचुरल होती है सारी आपकी वो जो कैरेक्टर्स, और यकीन कीजिए ये जब आपको एक ड्रामे के बाद दूसरे ड्रामे में देखते हैं तो हमें ये लग रहा होता है जैसे आप उस
इतना ज्यादा वो पिछला कैरेक्टर हावी होता है कि वो दूसरे को भी हम कम्बट उस तरह से वो देख रहे होते हैं, और इस तरह से ना आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता होगा, डेफिनेटली मैं समझ सकती हूँ। ये बात है बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बतूल, इतनी इन्होंने अच्छी वैसे बात कही है कि बाकी ऐसा लगता है कि दूसरा कैरेक्टर अक्सर होता है ना कि आप कई एक्टर्स को ऐसे देखते हैं कि इस ड्रामे में वैसे, उस ड्रामे में वैसे, तो मैं तो खुद कंफ्यूज हो जाती, मैं समझती हूँ ड्रामा चल रहा है, ठीक है, तुम्हारे साथ ये चीज नहीं है, बिल्कुल अलग ही एक रोल जो लग रहा होता है, दूसरा बिल्कुल अलग है, इसी वजह से क्या डिफरेंट डिफरेंट रोल्स देते हो, कभी आते होंगे एक जैसे रोल, फिर क्या बिल्कुल मैं नहीं करती, नहीं करती, मना नहीं करती मैं, बहुत से लोगों को शिकायत भी होती है कि मैं हर काम नहीं करती, मुझे वो जो कैरेक्टर अच्छा लगता है, जो डिफरेंट लगता है, मैं वो ही करती हूँ, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है करने का। ओके, तो अच्छा ये जो है ये चीज है कि आप जो है स्पेशली इसलिए आप जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है सही है। अच्छा यहाँ पर दो तीन चीजें और भी आ जाती हैं कि अक्सर इंसान जो है वो ये सोच रहा होता है कि जो लोगों को पसंद आए मैं वही वाला करेक्टर स्पेशली करूँ, नहीं मेरा ऐसा नहीं है। अच्छा मैं चाहती हूँ कि एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अच्छा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, कोई और मतलब ये कि एक नहीं है कि नया से नया कैरेक्टर होना चाहिए। अच्छा ये कि एक एक जैसा एक जैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा और राइट सही है ठीक है। तो क्या ऐसा होता है कि कभी कभी आप जो है एक ही कैरेक्टर में अगर फंस जाओ या आपको समझ आए कि नहीं अब मुझे यही ऑफर आ रही है तो मुझे यही अब करना जरूरी है, फिर आप क्या करते हो? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, मैंने मना कर दिया। मेरी पूरी कोशिश होती है 110% के ऐसा ना हो, और लेकिन कहीं अगर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, अगर हुआ तो वो नजर आ जाएगा स्क्रीन पे। सही बात है बिल्कुल सही। अच्छा आपने कभी कभी ऐसा होता है ना बिजी नहीं है, आपने अभी बिल्कुल ड्रामे को छोड़ा हुआ है, तो अभी उस टाइम पे क्या बेसिकली आप जो है क्या एंजॉय करते हो, क्या करना चाहते हो? मेरा शौक ज्यादा मूवीज का है, मैं मूवी देखना ज्यादा पसंद करती हूँ, और फैमिली के साथ कहीं डिनर पे। अच्छा फैमिली के साथ कैसा, फैमिली वाले कभी नाराज नहीं होते? वैसे मैं खुद, मेरे साथ भी यही चीज हो चुकी है कि इतना काम करते करते फैमिली वालों ने फिर यूज टू हो गए, तो मैं सवाल आपसे शुरू में होता था लेकिन अब यूज टू हो गई, स्पेशली मेरी अम्मी कि जब कंटिन्यू शूटिंग चल रही होती है दो तीन दिन मुलाकात ना हो, क्योंकि जब वो रात को हम आते हैं तो वो सो चुकी होती है, सुबह जाते हैं तो वो सो रही होती है, तब वो चिढ़ जाती है थोड़ा सा, भाई ये क्या मुसीबत है, मुलाकात ही नहीं होती है, और ये लेकिन अब थोड़ा सा उनको समझा के उन्होंने देख लिया है तो। अच्छा अम्मी कभी नेगेटिव पॉइंट्स दिखाते, क्योंकि हमेशा मैंने देखा पेरेंट्स सबसे पहले आपके नेगेटिविटी जो है ना वो देखते हैं, तो अम्मी ने कभी कोई नेगेटिव बात की कि बेटा ये जो इस तरह सही नहीं था, या तुम ऐसे कपड़े पहनती, या बाल ऐसे, कोई ऐसी बात कभी, कोई कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए था, कुछ ऐसे बोलती हैं कभी? नहीं अम्मी की तो बहुत सपोर्ट है मेरी साइड से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वो शूट्स पे आती थी मेरे साथ शुरू में, तो खैर काफी ज्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है अब खैर, लेकिन ये है कि उनके मैक्सिमम जो कपड़े होते हैं वो मेरे वही डिजाइन करती हैं। अच्छा मैक्सिमम, तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आती? नेगेटिविटी नहीं आती, और अगर आती भी है तो बता देती हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने बुरा किया है। अच्छा वो बता देती हैं, ये जो होता है ना सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी मतलब फैमिली में आपके अपने बहन भाई सबसे पहले ही आपके अम्मी अब्बू आपको जो है सबसे पहले आपको जो है ना कोई बात होती है तो बताते हैं, इवन आपके अपने बहुत अच्छे दोस्त जो है ना वो तारीफ तो करेंगे लेकिन आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर बताएंगे कि जो आप करें तो आपकी लाइफ के लिए बेहतर हो जाता है, आपके जो स्क्रीन के लिए और ज्यादा अच्छा नजर आता है। तो कभी कोई भी ऐसी चीज होती है, कभी कोई फैन बोल दे या कोई फ्रेंड्स बोल दे जो आपको लगता है कि हाँ इसको और बेहतर कर सकते, तो उसको पॉजिटिव लेती हो या नेगेटिव लेती हो, या कहती हो कि नहीं मतलब जो तुम कर रही हो बेहतर है, क्या चीज सोचती? नहीं जो बात है वो नजर आ रही होती है, अगर हमने कुछ ऐसा किया है या कहीं कोई कमी है तो वो हमें भी महसूस होती है देखने में कि नहीं यार यहाँ अगर थोड़ा सा ऐसा होता तो ये ज्यादा अच्छा होता, अगर ये पहन लेते तो ये ज्यादा अच्छा होता, तो जहाँ है वो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ कि हाँ नहीं ये मुझसे गलती हुई है और इस तरह इसको देखना सही है, बिल्कुल सही है। एंड अभी हम कुरानदाजी भी कर लेते हैं ताकि हम देखते हैं कि सादिया डिजाइनर लॉन के कुरानदाजी किस किसने जीता है। जी पहले हैं जी बीना, बीना है ये है कराची से जिन्होंने जीता है सादिया डिजाइनर लॉन, और दूसरे हम देखते हैं, अच्छा जी दूसरी है, चलिए ये नाम आप पढ़ लें ठीक है, दूसरा नाम आप पढ़ लें, अनीला ये भी कहाँ से है? अनीला कराची से, कराची से ही हैं ये भी, ठीक है जी सही है। इनका असल में नाम वो नहीं लिखा होता कि कहाँ से है, तो आप लिस्ट में देखकर बता दें। अच्छा तीसरा भी हम देख लेते हैं, और ये हैं सना, और ये भी हैं कराची से।
असल में आज ज्यादातर कॉलें हमें कराची से ही हैं, मतलब शुरू से लेकर एंड तक हम ये देख रहे थे कि कराची कॉलर सबसे ज्यादा जो है आज भरमार थी। तो खैर इसी तरह आप लोग जो है कॉल करते रहें, हमें चाहते हैं कि सब कॉल्स करें और सब हमारे साथ शामिल हुआ करें। और बहुत अच्छी बातें आज सब ने कही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली हमारी खवातीन को कि हमारी खवातीन बहुत अच्छी अच्छी जो है ना बातें जानती भी हैं और यही है जो माशरे को चेंज कर सकते हैं अच्छे तौर से, अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच सुम्बुल, इट वॉज लवली मीटिंग यू वंस अगेन, इट इज अ नाइस टोकन गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम सादिया, सादिया डिजाइनर लॉन आपके लिए। और इसके साथ ही नाज़रीन आपसे कल फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सलाम पाकिस्तान।